This conference will now be recorded. Hello friends, good evening everyone. Welcome to beginning of new era meeting. This meeting is held for everyone who have successfully completed our 4 months of online training program. In this meeting, we will share experiences of our past students and current students who have completed their meeting. But before that, I would want Mr. Piyush Patel to spare few minutes and to share important steps for all the participants who are present today. Piyush bhai, are you online? Yes, Chintan bhai. Yes, sure. You can start, Piyush bhai, and you can spread out your message to everyone. Okay. So thank you very much, Chintan bhai. And thank you very much to each and everyone. As Chintan bhai said, it's the beginning of the new era. So generally, आखिरी दिन जो होता है हमारा वर्कशॉप का, मुझे यही फीलिंग आती है जब हम लोग लाइव वर्कशॉप करते थे और वो जो हमारा आखिरी घंटा हुआ करता था, दैट वुड बी रियली एन इमोशनल आवर, जब सब लोग 3 दिन हम सब लोग ने साथ बिताए थे. सब लोग भी 3 दिन ऐसे थे जब हम लाइव वर्कशॉप में मिलते थे कि किसी को और कोई चीज का ध्यान ही नहीं होता था. पूरा दिन बस कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन. और आखिरी घंटे में जब फिर बिछड़ने की बारी थी, वही चीज आज हम अगर ऑनलाइन भी हम लोगों ने जो साथ समय बिताया है, लास्ट 11 वीक्स बोलो, 4 मंथ्स बोलो, राइट, तो इट वाज अ प्लेजेंट जर्नी. मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ. एंड लेट मी डिस्क्लोज विद यू सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद यू. ये पॉइंट डिस्क्लोज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ मैं मेरे लाइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा जो हो सकता है काम लगे, और कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे. जो पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल रिस्क फ्री रहेगा आने वाला समय, एकदम काम शांति से चलेगा, वेल्थ क्रिएशन की ओर चलेगा, समृद्धि की ओर रहेगा, राइट. इट विल बी अ प्लेजेंट जर्नी. एवरी एंड is a new beginning, है ना? हर अंत एक नई शुरुआत है. तो आज अपना आखिरी दिन हो सकता है ये वर्कशॉप का, पर अगर आप इसको सही मायने में देखो तो हम सब लोगों ने पिछले 11 वीक्स में हमने बेसिक हमारे क्लियर किए हैं, राइट. यानी हमने हमारे बेसिक सब उस प्रकार से देखे, ऐसा आपने अपना बेस बनाया है कि अब आने वाले समय में आगे बढ़ने में आसानी रह सकती है. तो असल काम तो अब चालू होगा. तो आज के दिन से आज एंड नहीं है. इन द रियल टर्म टूडे शुड बी द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईरा, एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि अब आपने जो सीखा उस पर आप लोग काम करने वाले हो. Just when the caterpillar thought her life was over, she began to fly. है ना? ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है. मैंने खुद ने कई बार क्विट करने का सोचा था. Can you believe it? When I was investing, मैं किताबें पढ़ा करता था, मीटिंग्स अटेंड करता था, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता था, पर मैंने कई बार क्विट करने का सोच लिया था. नहीं यार, अब अपने से नहीं होगा यार, क्या क्या करें. हर बार अपने को ऐसा लगता है कि वी हैव गिवन 100%, बट दैट वाज नॉट राइट, बिकॉज वी हैव गिवन 100% एट सम अदर डायरेक्शन. हमको जो डायरेक्शन में जाना था, आई हैव नॉट गिवन 100% एट दैट डायरेक्शन. तो बहुत बार मैंने सोचा, यस पीयूष, नाउ आई नीड टू क्विट. अब मुझे आगे अंधकार दिख रहा था, मुझे नहीं पता चल रहा था मैं आगे कर सकूंगा कि नहीं. पर जब जब मैंने ये सोचा और मैंने सोचा नहीं, थोड़ा और
थोड़ा और देने दो मेरे को, जस्ट लेट मी हैव सम पेशेंस। और फिर मैंने पाया कि यार मैं तो कहां क्विट करने वाला था, एकदम सक्सेस होने की जगह पे। मैंने इतना समय दिया था स्टॉक मार्केट में, इतना एक्सपीरियंस लिया मैंने, कितना डेटा स्टडी किया, और अब जब मैं सक्सेस की ओर पहुंच रहा था, राइट, उससे पहले का समय, जैसे एकदम जो सुबह होती है 4-5 बजे वाली सूर्योदय, उससे पहले का समय सबसे ज्यादा अंधकार वाला होता है। तो मेरे को वो अंधकार वाला समय जब मेरे लाइफ में आया, मुझे नहीं पता था कि अब मेरे लाइफ में सूर्योदय होने वाला है। मुझे क्या दिख रहा था कि आज मेरे पास क्या है, आज मेरे पास किताब खरीदने के पैसे नहीं है। तो क्यों ऐसा, क्यों मेरे पास पैसे नहीं थे, क्यों मैं खुश नहीं था? कई कारण थे, जो पास्ट में मैंने किया था उसका वो मेरा रिजल्ट था, लेकिन अब मैं जो करूंगा उससे मेरा आने वाला फ्यूचर बनेगा, ये मैंने उस समय सोचा था। पर फिर भी सफलता तुरंत थोड़ी ना मिलती है, समय लगता है। सो देयर वर टू मच टफ टाइम्स। कई बार ऐसा होगा जब मैंने सोचा होगा कि अब ये अंत हो गया, अब मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा यहां से, बट थैंक्स गॉड, थैंक्स ऑल दोज बुक्स वेर आई हैव इन्वेस्टेड। पता नहीं कहीं ना कहीं शायद उन बुक्स ने ही मेरे को ताकत दी होगी। पता नहीं शायद मैंने इतने एनुअल रिपोर्ट पढ़े कि मैं भी उन एमडी की तरह सोचने लगा था जिन लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी थी, और मुझे लग रहा था कि यस आई कैन बिकम सक्सेसफुल, मैं कर पाऊंगा। तो मेरे पे कोई भी नेगेटिव हावी नहीं हो पाता था और मुझे सिर्फ पॉजिटिव चीजें दिखती थी। सो यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। कई गलतियां की थी, अब यस, अब जब मैं उड़ान भरने वाला था तो मैंने देखा कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी। लेसन नंबर वन, मैं नई मिस्टेक्स जरूर करूंगा पर पुरानी मिस्टेक्स को दोहराऊंगा नहीं। एक बार मैंने किया और गलत हुआ, उसे मिस्टेक नहीं कहते, दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट। दूसरी बार किया गलत, तीसरी बार किया गलत, अगर मैं 20-21 बार कंटिन्यू गलत होता हूं फिर तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं रहता है, दैट मींस यस यहां मिस्टेक है, यहां पे मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा। सो मैंने आइडेंटिफाई किया कि क्या एक्सपेरिमेंट्स है, क्या मिस्टेक्स है। मिस्टेक्स जो है, एक बार मैंने उसे मेरे मिस्टेक्स के कॉलम में लिख दिया, फिर मैं मिस्टेक्स को दोहराने वाला नहीं। यस, मैं जरूर नए एक्सपेरिमेंट करूंगा और उससे मैं और आगे बढ़ूंगा। आई आइडेंटिफाइड विच वर माई वीकनेसेस, मैंने अपने वीकनेसेस पे काम किया। कई चीजें मुझे नहीं आती थी तो मैंने लिस्ट बनाया कि मेरे को यहाँ पे इंप्रूवमेंट चाहिए होगा। यस आई नीड टू इम्प्रूव। एक फिक्स समय मुझे सीखने के लिए देना था, मैंने तय किया कि चलो रोज का 20 मिनट पढ़ाई पे देने वाला हूं मैं, एंड आई विल इन्वेस्ट और स्पेंड दैट 20 मिनट्स। राइट, वी नीड टू लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। सो एवरी स्टोरी हैज एन एंड, बट इन लाइफ एवरी एंड इज अ न्यू बिगनिंग। मुझे नहीं पता था कि मैं जो मेरा अंत सोच रहा था वो तो मेरी एक नई शुरुआत थी और कुछ नए अध्याय आने वाले हैं। अगर मैं उस समय सोचता कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूं, देन दैट वुड बी माय एंड। एक्सक्यूजेस बहुत थे, बहाने बहुत थे, पर वो कोई भी बहानों को नहीं लिया। सो व्हाट्स योर स्टोरी, आपकी कहानी अब क्या है, अब क्या करने वाले थे? तो मेरी कहानी शुरू हुई थी नो एक्सपीरियंस, जस्ट आई हैव स्टडीड फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट। लेट मी डिस्क्लोज, कोई ट्रेनिंग्स ने मेरे को नहीं बनाया है, एनुअल रिपोर्ट ने बनाया है। राइट, व्हाट्स योर स्टोरी, क्या है आपकी कहानी? 5 ways to upgrade, ये मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। इट वॉज द प्रोमिस ऑफ रिस्क फ्री। हमने जब पहले दिन हम सब लोग मिले थे, मैंने आपसे एक बात कही थी कि इन द रियल वे शेयर मार्केट में कोई रिस्क ही नहीं है। देखो आज जितना भी पैसा मेरा लगा है, जब पिछले साल कोरोना आया तभी भी डर तो नहीं था, एक चीज पता थी, और वो क्या पता थी कि इस साल कम कमाने वाला है, इस साल शेयर के भाव गिरने वाला है, इस साल डिविडेंड कम आने वाला है। तो इसमें क्या बुरी बात थी, बड़ी बड़ी कंपनियों ने तय किया था कि इस साल वो लोग डिविडेंड नहीं लेंगे, दे हैव रिटर्न
during quarter one result that they are not going to take dividends, right? Just company like HDFC AMC decided they will not take dividend, and there were several companies. तो हमें भी कम डिविडेंड मिलेगा, वी वाज प्रिपेयर्ड, पर इसका मतलब डर तो नहीं था मुझे. किस चीजों ने रिस्क फ्री रखा, चिंता मुक्त रखा? क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने जो कंपनियां ली है वो हाई क्वालिटी है, उन्हें आता है विपरीत परिस्थिति में भी कैसे प्रॉफिट करना. ये पता था कि जो सेक्टर्स में हमने निवेश किया है ये कल के सेक्टर्स है. भारत को चलना है तो ये सेक्टर को चलना है, सेक्टर को चलना है तो ये कंपनी को चलना ही है. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाजार चलेगा और इंडिया चलेगा, इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा और हमारा शेयर नहीं चलेगा. इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? सो वर्क विथ इज, मैंने आपसे बताया था हम आसानी से काम करेंगे, धीमे धीमे शांति से, कोई चीज की जल्दबाजी नहीं है, और ब्राइट फ्यूचर देखेंगे. स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन ग्रीन डायरी, अपनी जो ग्रीन डायरी है उसे क्रिएट करना चालू कर दो. है ना, डॉन में थी ना अमिताभ बच्चन के पास वो रेड डायरी, सब डॉन के नाम लिखे हुए थे गुंडों के. अपने पोर्टफोलियो में ग्रीन डायरी बनानी है. ग्रीन डायरी मीन्स, बताओ आपकी ग्रीन डायरी क्या है? यहां पे है आपकी ग्रीन डायरी, देखो ये आपने जो काम किया था, यह आपकी डिजिटल ई डायरी हो गई. डिजिटल ई डायरी, कुछ क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों को, ताकि मेरे को भी क्लियर हो जाए कि ये सब चीज में जो सीखा वो बराबर है कि नहीं, राइट? लेट मी आस्क फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ दिस एक्सरसाइजेस. चैट बॉक्स ओपन कर दीजिएगा सो दैट पीपल कैन चैट. या टेल मी वेयर वी आर सपोज टू बाय ड्यूरिंग रैली और ड्यूरिंग फॉल. यस प्लीज, हम कब बाय करेंगे? लाइफ टाइम हाई पे कि जब फॉल आता है तब? यस डॉल भाई, एब्सोल्यूटली. अभिषेक जी, वंडरफुल. प्रशांत जी, फॉल कितना सिंपल सा गणित है. हम कब बाय करेंगे? लाइफ टाइम हाई पे कि 50 मेमा, 100 मेमा, 200 मेमा पे? मेमास. अरे हो सकता है आपने 50 मेमा पे लिया, धंधा नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, 100 मेमा पे आएगा आपका शेयर. कम से कम आप लोगों को सलाम मार के ही शेयर चलने वाला है, जब भी शेयर चलेंगे. मेरे को याद है मिलिंद भाई अपने साथ एक डिस्कशन हुआ था, मदर सन सुमी मेरे ख्याल से 80% रिट्रेसमेंट तक आ गया था मार्च कोरोना के समय, और हमने ये डिस्कस किया था कि क्या किया जाए. हमने सोचा कि चलो मेमास 61%, 80%, 50% जो भी मेमा है वहां पे एक्यूमुलेट करने में बुरी बात नहीं है, क्योंकि कम से कम ये तो अच्छा ही लेवल है. जब कभी इकोनॉमी अच्छी होगी, ऑटो इंडस्ट्री अच्छी होगी, तो अपना तो भाव लिया हुआ सस्ता ही है. देखो आज अगर हम देखें तो कम से कम ये सब भाव की तो ऊपरी है. तो ये चीज क्लियर रखे हम हमें, लेने के बाद शेयर कितना टूटने वाला है बताओ तो मेरे को, मिनिमम कितना फॉल देखने वाले हो जब भी आप शेयर लोगे. आपके लाइफ में 2-3 बार तो इतना टूटेगा शेयर. कितना, व्हाट इज द एवरेज फॉल इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज? अर्धा जी, 50%, राइट? देखो कोरोना के समय आधा तो एक ही महीने में हो गया था शेयर सारे, है ना? और वो समय कैसा डर लग रहा था. प्रिपेयर रहने का, रोज बोलो अपने आप से इट्स ऑल राइट 50%, राइट? देखो सही मायने में 50% इज नॉट नॉर्मल फॉल, 25% इज द नॉर्मल फॉल. वो तो आप देखने ही वाले हो, हर 3 साल में एक बार तो आपका शेयर 25% डाउन जाने ही वाला है, और 5 साल में एक आध बार 50% डाउन, बराबर की नहीं? 25% से तो हम एक्टिव होंगे, लेने की शुरुआत करेंगे. क्लियर है ना ये सारी चीजें? हम घर के बाहर ही निकलने वाले 25% गिरने के बाद. मैंने सुना है रिलायंस बहुत गिरा है, क्या कहते हो आप लोग, बहुत गिरा है क्या? एक्टिव होने का टाइम आ गया कि अभी टाइम है? कब एक्टिव होंगे बोलो रिलायंस में हम लोग? कितना फॉल आएगा तब हम लोग बोलेंगे चलो अब अपनी बारी आई रिलायंस लेने की? यस प्लीज श्रीनिवास जी, क्या बात है, परफेक्ट गिनती किया आपने, 1600, वेरी गुड, राइट?
We need 23% correction. बनता है कोई भी शेयर फॉल में, पर एसआईपी जब तक चालू करेंगे, बताओ मेरे को, इफ आई वांट टू डू एसआईपी, अब तक तो रिलायंस लाइफटाइम हाई पे लाइफटाइम हाई लगा रहा था, सो वी वर नॉट डूइंग एसआईपी। पर आपको याद है आप लोगों ने डीमार्ट में एसआईपी चालू की थी, तो एसआईपी चालू करने का पहला इंडिकेटर आपको क्या मिलता है, कब हमें एसआईपी करनी चाहिए? यस प्लीज। अच्छा, मैं सारे शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ध्यान में है मेरे कि हम ग्रोइंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और क्वालिटी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो अच्छी इंडस्ट्री का अच्छा शेयर मैं कब एसआईपी करूंगा, एक बार करेक्शन मोड में आए तब। करेक्शन मोड शुरू हुआ किसे कहते हैं, मंथली लो के नीचे शेयर गए, यानी करेक्शन मोड की शुरुआत हो चुकी है। जो रिलायंस इंडस्ट्री कल ही उसने मंथली लो तोड़ा, मंथली लो ब्रेक कर किया, आज उसका पहला दिन था मंथली लो के नीचे पहला दिन था, तो मतलब एसआईपी वाले लोग एक्टिव हो जाओ। अब वो नीचे नीचे जैसा आता जाएगा, लेटेस्ट एक्युमुलेट दृश्य है, बराबर। अब आप अभी एक बाय करोगे, हो सकता है अगले महीने और एक दो बाय करो, मतलब धीमे धीमे बाय करोगे, आने वाले 5-6 महीने अगर करेक्शन मोड में रहते हैं तो अच्छे भाव पे इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे डीमार्ट आपके अभी इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे आप लोगों ने टाटा एलेक्सी इकट्ठे किए थे, जैसे एक समय एफएल इकट्ठे किए थे, राइट। अभी एचडीएफसी इकट्ठा अपन लोग कर रहे हैं, टीटी के प्रेस्टीज इकट्ठा कर रहे हैं, ऑलराइट। करेक्शन मोड में आप लोग बाय कर रहे हो, तो ये आपने डायरी बनानी पड़ेगी ग्रोइंग इंडस्ट्री की और क्वालिटी कंपनी, राइट। हमने ये तय किया मेमा और रिट्रेसमेंट हमारा बाइंग लेवल है 61.8%। हर एक शेयर आएगा क्या, हर शेयर आपको 61% मिलेगा? अभी रिलायंस कितना चालू हुआ है, सॉरी टू इंटरप्ट पीयूसी, सॉरी टू इंटरप्ट। यस भाई, विनोद जी उनको है ना चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है, तो मैं बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को पूछना चाहता हूँ, क्या उनको ये सेम प्रॉब्लम आ रहा है? आई थिंक चैट वो सिर्फ मुझे चैट बॉक्स कर रहे हैं। अच्छा तो वो अगर अगर किसी और को अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो खाली यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव द आंसर। ओके हाँ सर, आ रहा है चैट बॉक्स, क्लियर है। ओके ओके ओके, तो विनोद जी आप एक बार रिकनेक्ट कर दीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। चिंतन जी क्या, चिंतन भाई वो उन्होंने ऑर्गेनाइजर टिक किया होगा चैट बॉक्स में, तो ऑर्गेनाइजर को ही मैसेज जा रहे है ना, वहां पे एवरीवन कर दो विनोद भाई ऑर्गेनाइजर में। वो करना कैसे वो समझ नहीं आ रहा ना एक्चुअली, ऑर्गेनाइजर ही आ रहा है। या मैं ट्राई करता हूं ताकि मेरे को पता चल जाए, एक मिनट। सर आप फोन पे हो के लैपटॉप पे हो? सर मैं आईपैड पे हूं। ओके, एकदम चैट के नीचे देखो लिखा होगा ऑर्गेनाइजर, सेंड टू चिंतन दलाल, चैट तो ऑर्गेनाइजर आ रहा है। हाँ तो ऑर्गेनाइजर को टिक करो और एवरीवन कर दो वहां पे, फिर आप सबको भेज पाओगे मैसेज। पर एवरीवन आ गया कि अभी भी ऑर्गेनाइजर दिख रहा है आपको? नहीं, ऑर्गेनाइजर दिख रहा है इसमें। हाँ तो ऑर्गेनाइजर के ऊपर क्लिक करते हो क्या आता है? प्रॉपर ऑर्गेनाइजर जहाँ लिखा है उसको क्लिक करो तो उसमें ऑर्गेनाइजर आता है, साथ में लेफ्ट गो बैक में आता चैट। कोई बात नहीं सर, हम ऐसा करेंगे विनोद जी का अगर आंसर देना है तो वो माइक अनम्यूट करके दे देंगे सर। ओके ओके, राइट राइट, नो प्रॉब्लम। ठीक है ओके सर, ओके कंटिन्यू सर। या तो हम सब लोगों ने एक चीज तो तय कर दी है, तो लेना तो माल नीचे ही है। हर शेयर के खराब दिन आते, अपनी लाइफ में खराब दिन आते तो शेयर के नहीं आने वाले क्या, उनके भी खराब दिन आते हैं। करेक्शन एक्यूमुलेट करेंगे हम करेक्शन टाइम में, बाय करेंगे प्रॉपर भाव में। मुझे लगता है अब आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया कि बाय किसे कहते हैं, एक्यूमुलेट किसे कहते हैं, है ना। एक्यूमुलेट मतलब हर महीना हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे, बाय मतलब कि अच्छा भाव आया है चलो मेरे को खरीद लेने दो अच्छी खासी क्वांटिटी, बराबर है। तो
this thing is clear. We are going to buy during fall and we are going to avoid market during rallies, right? एक बार बाजार चलने लगा, आपको पहले से क्या पता चल जाता है बाजार चलेगा? रिजल्ट है ना, सेल्स लाइफ टाइम हाई आते हैं, प्रॉफिट्स लाइफ टाइम हाई आते हैं, तो भाव क्या आने वाले? लाइफ टाइम हाई, नो डाउट अबाउट इट. सबसे पहले शेयर करेक्शन में कब आता है? जब प्रॉफिट या सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आए. बराबर, आप जो उम्मीद रखते थे 25-25% प्रॉफिट ग्रोथ आए, मान लो 5% प्रॉफिट ग्रोथ आएगा, तो भी करेक्शन मोड आ सकता है. भयंकर फॉल तभी आते हैं आपके शेयर में जब सेल्स टूटते हैं, तो सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी. या फिर ऐसा कुछ होता है कंपनी की इमेज पे धब्बा लगता है, बहुत खराब चीज उन्होंने की है, कुछ ऐसा इंडिकेटर आया है कि जिससे धंधे टूटने ही वाले है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, ऐसे केस में भयंकर फॉल. आपने अगर डाइवर्सिफाई प्रॉपर किया होगा तो ये फॉल से कोई लेना देना नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. राइट सर, टॉप क्वालिटी कंपनीज की जो आप लोगों ने स्प्रेडशीट बनाई, इस पे ध्यान दे. जब भी कोई कंपनी बाय करे, आपकी टॉप क्वालिटी कंपनी में ही होनी चाहिए. ग्रोइंग इंडस्ट्रीज का लिस्ट रखे, आपको आने वाले समय में ग्रोइंग इंडस्ट्रीज ही अपडेट करना है. देखो, आज आप लोगों ने बीसेक कंपनी लिया है फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बरसों पहले जब स्टॉक लिए थे उस समय डिमांड नहीं था, क्योंकि डिमांड क्या, ग्रो डिमांड, डिपार्टमेंट स्टोर का अस्तित्व ही नहीं था. लेकिन जब कभी डिपार्टमेंट स्टोर की कंपनियां लिस्ट होने लगी, जब कभी एक बार रेस्टोरेंट की एक कंपनी लिस्ट हुई, तो मुझे पता चला यार ये तो गजब का सेक्टर है ना, बढ़िया धंधा कर रहा है. कंपनी देखी, डेब्ट फ्री कंपनी, अच्छे मार्जिन है, चलो पैसे. इसी प्रकार से नए सेक्टर आपको मिलते हैं, आने वाले 10 साल में भी आपको नए नए सेक्टर मिलेंगे. राइट, आपको कैसे मिलेंगे? नया आईपीओ आएगा. आईपीओ ऐसा होगा कि जो कंपेयर ही नहीं कर सकते हम कोई नई पुरानी कंपनी के साथ, दैट इज सम न्यू कंपनी फ्रॉम न्यू इंडस्ट्री. तो आप सोचते हो यार ये सेक्टर को देखा जाए, अगर वो कंपनी बहुत अच्छी है तो चलो वो कंपनी भी आपकी लिस्ट में आ गई. तो जनरली ग्रीन डायरी जो आप बनाओगे उसमें हर एक कंपनी को एंट्री नहीं देंगे, आपको तय करना पड़ेगा मैं मेरी ग्रीन डायरी में कुछ क्राइटेरिया वाली ही सेक्टर और कंपनी को एंट्री दूंगा. मेरी लिस्ट में आना है तो तुम्हें इन क्राइटेरिया को पार करना पड़ेगा. राइट, तो सबसे ज्यादा जो आपको काम लगने वाली है चीजें, वो होगा ये जीडीपी का लिस्ट, वो होगा ये ग्रोइंग इंडस्ट्री का लिस्ट, वो होगा टॉप क्वालिटी कंपनीज का लिस्ट, बिहेवियर एनालिसिस और रेंज और ट्रेंड. ये चीज जिंदगी भर आपके साथ रहने वाली है. अभी जो आपने एक्सरसाइज की, दैट वर सम बेसिक, आपने तो खाली सीखा कि कैसे ये बनाना है, पर अब आपको इसको एक एक करके बनाना शुरू करना है. मैं आपसे उम्मीद नहीं रख सकता था कि एक हफ्ते में आप पूरा का पूरा काम परफेक्ट करो, हो ही नहीं सकता है ना, प्रैक्टिकल ही नहीं है. अब अपने आप को थोड़ा टाइम दो और बोलो आने वाले 6 महीने में मैं मेरी ये पूरी लिस्ट तैयार करूंगा. कोई भी चीज जो जल्दबाजी में करेंगे उसमें हजारों मिस्टेक्स हो सकती है, और अगर अपने आप को थोड़ा समय देंगे तो वो चीज हाई क्वालिटी बनेगी. तो हमें तो क्वालिटी से मतलब है, हमें जल्दबाजी से कोई मतलब नहीं है. तो नाउ गिव योरसेल्फ सम टाइम, राइट, स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन ग्रीन डायरी, प्लान फॉर द फ्यूचर एलोंग विद द कंप्लीशन डेट ऑफ रिसर्च. आप अपने आप को एक तारीख नहीं दोगे कि मैं ये समय तक मेरा पूरा रिसर्च खत्म करना चाहता हूं, तो वो ड्रीम रहेगा, वो गोल नहीं होगा. हमने पहले ही सीखा ना कि ड्रीम अभी आपका है कि मेरे को पूरे भारत की सारी इंडस्ट्री पे नजर रखनी है, क्वालिटी पे, उनके बिहेवियर पे. तो नजर रखने के लिए आपको एक बार पूरा लिस्ट करना पड़ेगा, जो इतनी जल्दी नहीं हो सकता है. 6 महीना, 3 महीना, आप अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से एक तारीख दे दो कि कोई बात नहीं, मैंने पिछले 10 साल तो निवेश में दिए हैं, 5 साल तक मैं शेयर बाजार से कनेक्टेड था, आने वाले 3 महीने और दूंगा, लेकिन अब मेरी जो काम होगा वो मैं परफेक्ट और अच्छी तरह से करूंगा. जब आप ये पूरा रिसर्च बना देते हो धीमे धीमे करके, वेज टू स्टे इन टच फॉर एनी न्यू अपडेशन. देखो, नए नए अपडेशन आते जाएंगे,
हम लोग भी तो सब कांटेक्ट में है एक दूसरे के। मैंने आपको पहले बताया कि जनरली कोई भी कोर्स पूरा होता है फिर काम खत्म हो जाता है, अपना तो काम अभी चालू हुआ है। अपना काम चालू है मतलब अब आपके अपडेट रहने के दिन आ गए। हम लोग एक दूसरे के टच में कैसे रहेंगे? देखो फाइव स्टेप्स वाली मीटिंग तो हम हर साल आपके शहर में तो करते ही, एक जैसे अभी हमने मुंबई पुणे में की, पहले हम लाइव आके करते थे तो चलो डिनर भी होता था आप लोगों के साथ, मजा आती थी, मिलते थे, राइट। अभी लाइव नहीं आ पाते पर ऑनलाइन तो मिल रहे। जब भी हम आपके शहर में मीटिंग कर रहे हैं, आपको जो कोई भी प्रॉब्लम है, आपको जो कुछ आप लोगों को तकलीफ हो रही है, उन चीजों पे बात होनी चाहिए और हमारी पहली प्रायोरिटी सीखे हुए लोग हैं, राइट। तो हम हर साल कम से कम जब तक मैं एक्टिव हूं तब तक मिलने ही वाले हम लोग। एक्सरसाइज करते रहिए क्योंकि यही एक्सरसाइज से आपको नई नई कंपनियां भी मिलेगी, नए सेक्टर मिलेंगे जो आज नए हैं, जो मुझे जुबिलेंट वर्षों पहले मिला नया था, जो मुझे इन्फो एज मिला नया था, जो आपको रूट मोबाइल अब भी मिला नया है। ऐसे कई सेक्टर आएंगे, अभी तो डेटा स्टडी, अभी तो क्लाउड, कई कई सेक्टर पे कंपनी आने वाली है, तो आपको यही एक्सरसाइज में मिलेगी। एक्सरसाइज करते रहिए, मीटिंग्स में हम सब लोग मिलेंगे, सेशन ऑफ वर्कशॉप बैच, देखिए वर्कशॉप बैच के जो सेशन होते हैं ना, हमारी तो देखो अलग अलग बैचे चलती जाएगी, पर इन बैच में आपको जब भी लगता है कि मेरी ये चीज मिसिंग है तो आ जाओ ना। कभी ऐसा किसी ने ये तो नहीं कहा कि नहीं भी पुराने स्टूडेंट नहीं, खाली नए स्टूडेंट के लिए है। सारे विंडो ओपन है, सब बैच ओपन है, जब कभी आपको लगे यू कैन डेफिनेटली कम एंड रिविजिट दैट चैप्टर और अपनी बात रख के वो उस चीज को आप क्लियर कर सकते हो। तो आने वाले टाइम में जितने भी बैचेस होगी आपको रिपीट करना है, राइट। देखो आप लोगों ने वेबसाइट से सीखा है, नए जो बैच है वो सब ऐप से सीख रहे हैं, तो जब आप लोग सीखे तब हमारे पास ऐप नहीं थी, ऐप से और अच्छी लर्निंग मिल रही है। अगर आपको लगता है कि यस आपको अभी भी काम करना है, अभी भी सीखना है, तो आप प्रसाद को, प्रियंका को बोल दो कि प्रसाद मेरे को ये जो नई बैच चल रही है सितंबर बैच, मुझे उनमें भी सीखना है, काइंडली मेरी विंडो ओपन कर दो। मेरे को नहीं लगता है आज तक किसी को भी किसी ने मना किया है यहाँ से प्रॉफिट में से, नहीं नहीं खोलेंगे बरो 5,000 तो ही करेंगे, ऐसा तो कभी होता नहीं है यहाँ पे, है ना। जब कभी आपको लगता है, क्योंकि आप अगर आप में कोई चीज मिसिंग रहती है तो वो आपकी मिसिंग नहीं है, वो असल में हमारी मिसिंग हुई। मैं ये मानता हूं आपकी कमी मेरी कमी है, तो मैं नहीं चाहूंगा कोई भी कमी रह जाए। व्हेनेवर यू नीड एनी सजेशन, व्हेनेवर यू नीड एनी इंप्रूवमेंट, ज्वाइन इन न्यू बैचेस। मैं जब बरसों पहले सिखाता था उसमें और आज में बहुत सा डिफरेंस है। जब मैं लाइव सिखाता था उससे वेबसाइट पे इंप्रूवमेंट आया, वेबसाइट पे सिखाते थे उससे आज ऐप में इंप्रूवमेंट है। और मुझे ये पता है कि 2 साल बाद के जो बच्चे सीखेंगे वो आज से और बेहतरीन चीज ले जाएंगे, राइट। तो जब भी हम लोग कुछ भी नए वर्कशॉप करते हैं यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन विद देम। उल्टा मुझे खुशी क्या होगी, आप लोगों का अनुभव भी नए लोगों को काम लगेगा, है कि नहीं। सो यू कैन ज्वाइन इन दिस एनी वर्कशॉप बैच, और जो भी हमारे जो विंडोज है ऐप पे वो आप ओपन करा सकते हो, राइट। इन्वेस्ट टाइम वाइजली, देखो समय जो है उसे वाइजली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यूं ही हम बेकार में कोई भी जगह पे टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। सो फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी रेदर देन एक्टिविटी। ये कहोगे कि मैंने इतना समय दिया, मैं इतना रिसर्च कर रहा हूं, वैसा नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना पड़ेगा कि मैंने अभी देखो हम नवंबर महीने में एंटर हुए ना, तो अक्टूबर महीने में एक महीना बीता ना, अपने आप को बोलो अक्टूबर महीने में मैं क्या क्या चीजें सीखा, क्या मैंने मेरी पुरानी जो स्किल थी उसे अपडेट किया, मैं कहां अक्टूबर महीने में इंप्रूव हुआ हूं। अगर मुझे आंसर मिलता है यार नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा अक्टूबर महीने में, तो मेरा महीना ही वेस्ट हो गया ना। तो मैंने क्या किया पूरा महीना, मैंने 2-2 घंटे दिए हैं सीखने पे, फिर वो कहां दिए। तो ऑलवेज आस्क योरसेल्फ व्हाट वाज माय प्रोडक्टिविटी ऑफ लास्ट मंथ, लास्ट वीक, यस्टरडे, लास्ट ईयर। फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी नॉट ऑन एक्टिविटी। एक्टिव तो हम रहेंगे पर प्रोड्यूस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है, राइट। So invest time wisely and focus on productivity. 20 minutes a day keeps fear away. अगर 20 मिनट दिन की देंगे, लर्निंग पे कह रहा हूँ ना, रिपोर्ट्स पढ़े,
रिजल्ट आए, रिजल्ट पढ़े, दूसरों के डेटा नहीं देखे आपने। ठीक, वो वेबसाइट आपको हजारों मिलेगी जो डेटा देती है, पर वो डेटा से क्या समझ में आएगा यार? खाली डेटा देख के कुछ समझ में नहीं आएगा। वो डेटा प्रोड्यूस करने में क्या हुआ? HDFC ने रिजल्ट अपडेट किए, उन्होंने लिखा है कि अक्टूबर महीने में लाइफ टाइम हाई होम लोन्स बिकी है, मतलब डिमांड जबरदस्त आई है। उसकी इफेक्ट आपने रियल एस्टेट की कंपनियों में भी देखी है। ये सब चीजें खाली डेटा देख के पता चलेगा क्या कि धंधा इतना डाउन, ये इतना डाउन, क्या होगा? अरे ऐसे नहीं होगा। वी नीड टू सी डेटा इन रिजल्ट। रिजल्ट PDF के अलावा कहीं पे भी डेटा देखोगे कंफ्यूज रहेंगे। क्लियरिटी चाहिए, वॉच द रिजल्ट्स इन PDF फाइल एंड वॉच द डेटा ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या कह रहा है, राइट? सो 20 मिनट्स अ डे कीप फियर अवे। मेरे को डर नहीं लगता है क्योंकि मेरे को, मैं ये सारी चीजें पढ़ता हूँ। एनालाइज करो, आपको प्रॉब्लम आएंगे जब आप एनालाइज करोगे, और क्रिएट करो। वो प्रॉब्लम आएंगे, पर जैसे जैसे आप एनालिसिस में आगे बढ़ोगे, प्रॉब्लम निकलते जाएंगे और नई नई चीजें क्रिएट होगी। तो आने वाले समय में आपका खुद का एक बढ़िया रिसर्च क्रिएट होने वाला है। इट्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईरा, डेफिनेटली। हम लोग मिलते जाएंगे वर्कशॉप के द्वारा, मीटिंग्स के द्वारा, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जब भी हम लॉन्च करते हैं, डू टेक पार्ट। देखो, एक्सरसाइज में क्यों लॉन्च करता हूं मैं आपको बताऊं? आज आपका वर्कशॉप पूरा हुआ, पर मुझे पता है कुछ चीजें मिसिंग हो सकती है। मुझे एक चीज पता है कि आप कल से काम करोगे ना, कुछ नए आपको अपडेशन चाहिए होंगे, तो वो मैं आपको अपडेशन कैसे दे पाऊंगा? मैं एक्सरसाइज लॉन्च ही करता हूं आपको अपडेट करने के लिए। तो जब भी हम एक्सरसाइज नहीं लॉन्च करें, पार्ट लो उसमें। जब भी आपके सिटी में मीटिंग हो रही है, पार्ट लो प्रेजेंटेशंस में। एक चीज तो आपने देखा ना कि हर एक व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दिया है। जो हम पिछले 11 हफ्ते में, आप सबने क्यों प्रेजेंटेशन दिया पता है? क्योंकि आप सब आने वाले समय के लिए तैयार हो रहे हो प्रेजेंट करने के लिए। प्रेजेंटेशन देना भी एक फियर है जो निकल गया है, सो दैट्स वेरी गुड थिंग। एक्सरसाइज जो हम देंगे, काइंडली एक्सरसाइज में पार्ट लीजिएगा, तो इससे बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। हम सब लोग तो साथ है ही, पुराने स्टूडेंट है, एक फैमिली है बढ़िया। आने वाला भविष्य अब आपके सामने है, सुनहरा है, राइट फ्रेंड्स? चिंतन भाई, मैंने मेरी बात रख दी है? यस पीयूष भाई, थैंक यू वेरी मच। या नाउ विल कंटिन्यू विथ अवर टुडेज प्रेजेंटेशन। बिफोर वी स्टार्ट गिविंग सर्टिफिकेट्स टू एवरी पार्टिसिपेंट्स, we have important message by our past students. I want Mr. Prashant Khare, sir, are you online, sir? Hello. Yeah, Chintan sir, good evening. आवाज आ रही है? Welcome Prashant ji, welcome. हाँ sir, कैसे हैं? Sir, बढ़िया चल रहा है, आप बोलिए। बस सर बढ़िया, बस अभी रिजल्ट H1 रिजल्ट अपडेशन का काम चल रहा है सर अभी तो। वंडरफुल, वेरी गुड सर। हाँ, तो सर की गाइडलाइन के हिसाब से, और हमेशा जो सर जो बोलते हैं, एक एक चीज सुनने लायक रहती है, लर्निंग के लिए रहती है, बिल्कुल एक एक वाक्य और एक एक शब्द। यस यस, वेरी गुड सर। तो हाँ, आपके सर, पास दो मिनट का वक्त रहता है। हाँ सर बताइए, आपके पास दो मिनट का वक्त है। आप हमारे जो नए जो स्टूडेंट्स आज पास आउट होने वाले हैं, उनके लिए आप क्या शेयर करना चाहोगे, उनको क्या करना चाहिए आगे? एक्चुअली में जो भी प्रॉफिट ऑफ इट फैमिली से जुड़ा हुआ है, यानी ये एक फैमिली की तरह है, कभी भी आपको परायापन नहीं लगेगा। जब भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ हो, आप सर से पूछ सकते हैं। और फिर मैंने भी जो दो तीन, यानी मैंने तो पहली वर्कशॉप ऑनलाइन वाली में अटेंड किया था, उसके बाद भी थोड़े से जो डाउट्स थे, तो मैंने कुछ वीडियो देख देख के जो आपकी बैच के है उनसे काफी अपग्रेडेशन चलते रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार ट्रेनिंग पूरा कर लिया और आप यानी प्रॉफिट ऑफ फिट फैमिली से मुक्त हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हमेशा जुड़े रहोगे। और मुझे एक बात खास, एक जो सर एक्सरसाइज करवाते हैं, दैट इज ए वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। आप बड़े डीप तक जाते हो उसके अंदर, हर इंडस्ट्री को देखते हो, सेक्टर को देखते हो कि उसमें से क्या क्वालिटी निकल के आ रही है, उनको देखते हो। तो दैट इज ऑलवेज ए लर्निंग।
and that will help in the creating wealth, sir. तो आप जो भी नए स्टूडेंट जो अभी आज पास आउट होके जा रहे हैं, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड प्लीज आप आगे भी आने वाले समय में अटैच रहिए, और जो भी एक्सरसाइज पीयूष सर देते हैं वो काफी क्रिएटिविटी वाली रहती है, तो डेफिनेटली वो करना चाहिए. थैंक यू सर. हेलो 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 प्रशांत जी. हाँ सर आवाज आ रही है. थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी. हाँ एक हाँ सर एक हाँ सर प्रशांत जी से क्वेश्चन करना है चिंतन भाई मेरे को. यस यस श्योर प्रशांत जी. अब कितना टाइम हो गया पूरा वर्कशॉप खत्म हुए आपका? सर मैंने ये ऑलमोस्ट अप्रैल में खत्म हो गई थी सर. अप्रैल मई में खत्म हुई. अप्रैल में खत्म हो गया. राइट. हाँ अब अप्रैल में जब वर्कशॉप खत्म हुआ तब का कॉन्फिडेंस हाई था कि आज का कॉन्फिडेंस आपका हाई है? सर आज का है. श्योर आज का कॉन्फिडेंस. हाँ राइट. तो इसी प्रकार से प्रशांत जी जब अगले साल भी हम मिलेंगे. हाँ सर. सर अगले साल अगर हम बात करेंगे. हाँ सर. हाँ हाँ बोलो बोलो प्रशांत बोलो. मैं ये कह रहा था कि उस टाइम जो है जस्ट एक वो लर्निंग वाली वो स्टेज थी, पर अब अपने जैसे अभी आपने बोला ना अब अपग्रेडेशन वाली स्टेज आ रही है कि मैं कहाँ गलती होती थी उसको हाउ टू इम्प्रूव दैट, और जो पुरानी गलतियों को रेक्टिफाई करना है. राइट. तो उससे काफी सीखने को मिल रहा है सर अभी. ओके. और अभी भी रिजल्ट आप अपडेट कर रहे हो सब अपने आप? हाँ सर मैं हाँ सर जब भी टाइम मिलता है मैं करता हूँ सर. बिल्कुल राइट. बिल्कुल करता हूँ. उससे आपको गाइडेंस मिलती है कि शेयर का भाव कैसा रहेगा, गिरेगा चलेगा, जो भी रिजल्ट आप अपडेट करते हो उससे अपने आप? अभी आज ही एक मैं आपको आज लाइव किस्सा. अरे HDFC के पिछले साल के कंपेयर में प्रॉफिट कमा है, पर मैंने कहा धंधा बड़ा है, और जो अभी अच्छा। आपने बात बोली ना बस मैं वो हाईलाइट ही देख रहा था उनके कि जो है सबसे ज्यादा अक्टूबर के अंदर उनने लाइफ टाइम जो है लोन सैंक्शन कर रहे हैं यानी. हाँ अमेजिंग एकदम है ना. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये उम्मीद नहीं थी. तो वही चीज में माफ कर रहा था. हाँ सर करेंगे. या बिल्कुल बिल्कुल. राइट. और सर ये देख के तो सीखने और पढ़ने से आएगा सर. हाँ सर. हाँ पढ़ने से ही आएगा ना. मैंने खुद ने ऐड किए. मैंने कोरोना के समय भी ऐड किए थे क्योंकि हमें ये इतना तो कॉन्फिडेंस था ही कि भाई HDFC तो बढ़िया ही है, पर रिजल्ट से कॉन्फिडेंस आया चलो थोड़े बहुत और ऐड कर लिए क्योंकि धंधे बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट को तो बढ़ना ही है. बराबर ना सर. मुझे मैं एक बात दिल के कहना चाहता हूँ आपको, यदि ये मेरा कोर्स कोरोना के पहले हो चुका होता तो वो उस जैसा मौका तो जिंदगी में नहीं मिला. जो करीबी का मौका था ना अभी तो सही बात है. पर ये बात सही है कि ऐसे मौके कम मिलते हैं, पर 9-10 साल बिल्कुल, में ऐसा मौका आता है तो एक मौका गया. हाँ सर एक मौका गया सर. चलो अभी 10 साल बाद दूसरा आएगा तब तक पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे. नहीं नहीं वो तो चल रही है सर, सिर्फ चलती है रहती है मेरी. यस यस वेरी गुड वेरी गुड. बढ़िया. और मैं आपकी आवाज में और कॉन्फिडेंस सुनूंगा, पर उसमें मेरे को भी पता है कि और 5-6 महीने चाहिए. जैसे जैसे समय बीतेगा अनुभव आएगा बिल्कुल, वैसे वैसे और मजा आएगी. बराबर ना. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एक सर और मैं आपको जब मैंने आपका हाँ सर थैंक यू. हाँ कुछ कह एक और चीज में बता रहे. हाँ जब वो यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखता था तो उस टाइम मैंने टाटा एलेक्जी निकाला था. अब वो टाटा एलेक्जी वो जैसे आप रेस्टिंग पीरियड वो तो उस टाइम मैं धीरे धीरे इकट्ठे करता रहा, तो आज उसको देखा क्या ब्रेकआउट दिया है तगड़ा उसने. बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दिया है सर इस साल. बिल्कुल तो अभी काम लगेगा. अब तो ये भाव ही नहीं आता ऐसा कभी लगता. 750 रुपए में खरीदे हुए थे. राइट राइट सही बात है. हाँ ओके ओके. थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी.
ऑल द बेस्ट, और सर कुछ हेल्प लगेगी तो मैं कॉन्टेक्ट करूंगा सर, है ना? ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, श्योर, नो प्रॉब्लम। यस चिंतन भाई, थैंक यू प्रशांत जी वेरी मच, और आप सबका, आप सब आपका, थैंक यू। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अवर नेक्स्ट पास स्टूडेंट इज मिस्टर डॉक्टर मिलिंद बिडवे। मिलिंद जी, आप ऑनलाइन हो? हाँ यस सर। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मिलिंद जी। हाँ गुड इवनिंग। ओके सर, सर मैं स्टार्ट करूँ? यस यू कैन स्टार्ट मिलिंद। यस यस। हाँ तो दोस्तों, मैं डॉक्टर मिलिंद बिडवे पूरा से हूँ। मैं प्रॉफिट प्रॉमिट का पास्ट स्टूडेंट हूँ। पास्ट मतलब अभी 2000 जनवरी 18, 19 और 20 जनवरी 2000 सॉरी 2018 दिल्ली में मैंने कोर्स किया था। तो जैसे ही अभी ये ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, तो जैसे मैं देख रहा हूँ तो कुछ बहुत सी चीज़ें याद आ गई, और जो गलतियाँ मैंने की थी वो गलतियाँ मैंने लिख डाली है सब। मुझे ऐसा लगा कि ये गलतियाँ जो मैंने की है वो अगर आप अवॉइड कर पाए तो सभी जो स्टूडेंट है आज, जो इन्होंने जितनी मेहनत से सीखा है और बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, तो जो मेरी गलती है आप रिपीट नहीं करो। इसलिए कुछ गलतियां मैंने लिखी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरा एक हैबिट था कि सालों साल के मैं साल में 2-3 ट्रेनिंग कर लेता था, क्योंकि सीखने का बहुत पैशन था। बट अभी तक मैंने जो भी कोर्स किए थे वो पूरे के पूरे थ्योरेटिकल थे, एंड प्रॉफिट का जो कोर्स है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है। तो मुझे लगा कि चलो, हमने कोर्स किया, मैंने वीडियो देखे और प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो सर का नॉलेज है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। इसमें कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है कि ये मॉडल है, प्राइसिंग का मॉडल है, इंटेंसिव वैल्यू का ये मॉडल है, या इस तरीके से कोई थ्योरेटिकली कोई चीज नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। तो मैंने वो मिस किया, मैंने सिर्फ वीडियो देखे लेकिन मैंने एक्सेल शीट पर प्रैक्टिस नहीं की, वैल्यूएशन शीट नहीं बनाई। तो इनिशियली शुरू में 6 महीने मेरे साल भर ऐसे ही गए। तो मैं सब पार्टिसिपेंट को यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनिशियली हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कभी कभी, और हम कुछ चीजें टाल देते हैं। जैसे कि मुझे एक्सेल शीट बिल्कुल नहीं आती थी और डर भी लगता था। तो जो जिस चीज को हम हार्ड लगता है हमें, वो हम टालते रहते हैं। तो ये गलती ना करें, क्योंकि सर का जो कोर्स है वो पूरा प्रैक्टिकल है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस का हमें डेफिनेटली मिश्रण करके डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो है कि एक्सेल शीट बनाने में मैंने इतनी टैलेंट टोल की, क्योंकि मुझे जमता ही नहीं था। मेरा लिटरली सर दुखने लगता था। जैसे मैं याद करूँ अगर कि 2018 में जैसे लास्ट डे था प्रॉफिट कोर्स का दिल्ली में, तो लास्ट डे पे हमारा ये फंडामेंटल पे चल रहा था, एंड सब ने इंट्रिंसिक वैल्यू शीट बनाई थी। तो काफी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे कोर्स में, तो उन्होंने जिस स्पीड से सब डाटा बनाया मैं चकित रह गया। मेरे को बोला, मैं मन में ही बोला, यार ये अपने को जिंदगी में नहीं जमेगा, एंड ये जो लोग हैं वो बहुत आसानी से बना रहे हैं। तो मैं बोला कि ये बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिर मैंने क्या किया, 1.5 साल से टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स पे फोकस किया, लेकिन जिसमें काफी सारा नुकसान हो गया मेरा। अगर मैंने वही टाइम पे थोड़ी और मेहनत ली होती और एक्सेल शीट वैल्यूएशन शीट बनाई ही रहती, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ और ही था। और जैसा अभी खरे प्रशांत जी ने बोला है, खरे सर ने, कि अभी जो हमने टाटा एलेक्स लिया, ऐसे तो मेरे पास 20-25 शेयर है वो 2018 के, जो अगर मैं वैल्यूएशन शीट बनाता था तो मैं पक्का लेता था। और एक एग्जांपल दूंगा, अभी आपका जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, इसमें सर के जो क्वेरी सेशन थे, जैसे ही अभी मैं तो एक्सेल शीट बना रहा हूँ अच्छे तरीके से, तो मैंने सर के डिस्कशन में और आपके बैच के डिस्कशन में आपका डिस्कशन सुना था लालपत लैब के बारे में। तो मैंने लालपत लैब का वैल्यूएशन शीट बनाया, एंड उससे जो कॉन्फिडेंस आया, पिछले ही महीने अराउंड मैंने 1800 रुपये पे लालपत लैब अच्छी क्वान्टिटी मिली है, और आज वो 2300 रुपये है। मतलब 22% प्रॉफिट जो मेरा है वो एक्सेल शीट की वजह से आज। क्योंकि हम किसी की भी बात कितनी भी सुने, जब तक हम खुद नंबर पंचिंग नहीं करेंगे, खुद से एक्सेल शीट नहीं बनाएंगे, खुद का पैसा लगाने की हिम्मत नहीं आती है। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कुछ लोग एक्सेल शीट में माहिर रहते हैं, कुछ थ्योरेटिकल में रहते हैं, तो आप ये मत कीजिए कि जो भी किसी को तो एक प्रॉफिट टफ लगता है, तो आप टफ चीज को सबसे पहले डील करना सीखिए, क्योंकि वो टफ चीजें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो सकती है। तीसरी चीज, मैंने जब कोर्स खत्म किया ये जनवरी 2018 में, तो फिर मैं और वापस से कोर्स ज्वाइन कर लिए, फिर और यूट्यूब की वीडियो देखने लगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो हमने सीखा है वो अगर हमें सच में, मतलब मैं डॉक्टर हूँ और ब्रेन स्टडीज में मेरा बहुत अच्छा ये है, एंड मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट है।
तो मैंने जितने भी साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड है सबसे बात किया, लर्निंग मेथड्स के बारे में जितना पढ़ा, तो जो भी चीज हम 10 12 15 टाइम करते हैं तो हमारे परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए उसको हमें प्रैक्टिस लगती है। जैसा आपने गाड़ी चलाना सिखाया रहेगा तो गाड़ी शुरू में आपको 10 15 दिन ज्यादा लग गए रहेंगे, तकलीफ भी हुई रहेगी, लेकिन आज आप जब गाड़ी चलाते हो तो आपको कुछ देखना नहीं पड़ता है, हाथ अपने आप मूव हो जाते हैं। वैसा ही है, अगर हम ये जो सर का जो कोर्स कंटेंट है वो हम अभी, मतलब क्या है, अगर आप आज आप अगर गैप पड़ गई इसमें, आप बोलोगे कि एक दो महीने के बाद देखेंगे, तो ये होता नहीं। ये जो फ्रेश चीजें हैं उसको रोज आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा शेड्यूल सुबह 4 बजे से चालू होता है और मैं जिधर से जॉब करता हूँ वहां से, मतलब मैं पुणे में रहता हूँ और जॉब तेलेगांव में करता हूँ, तो 1.5 घंटा जाने में और 1.5 घंटा आने में लगता है। तो मैंने एक तरकीब निकाली, मैंने सर का ऐप डाउनलोड कर लिया, सर के जो है वो सुबह जाते टाइम 3 वीडियो देखता हूँ, आते टाइम 3 वीडियो देखता हूँ, तो 6 वीडियो जो है और यही कोर्स कंटेंट थी वो मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। आग बंद करके देखता हूँ, तो सुनता हूँ सॉरी, तो वो सब चीजें दिमाग में घूमती रहती है और प्रैक्टिस भी अपने आप हो जाती है। तो ये जो ऑनलाइन कोर्स है वो सच में जबरदस्त बेनिफिट है, क्योंकि हमने 3 दिन में किया था, आप इमेजिन करो कि वो आप 4 महीने में विद टाइम देके अच्छी तरीके से सीख रहे हो, तो ये बिगेस्ट एडवांटेज है। आप हर रोज 3-4 वीडियो देखना चालू करो, ये कोर्स की रिपीटेशन 5-6 बार हो गई ना तो आपकी पूरी कंसेप्ट, इनिशियली हमें लगता है कि मुझे ये समझा, लेकिन जब आज भी मैं सर की बैच रिपीट करता हूँ, अभी नवंबर की बैच में भी मैं वापस से रिपीट करने वाला हूँ, तो हर बार मेरे को सीखने में मिलता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम मार्केट कैप लाते हैं एनएससी से, वैसे ही पिछले 1-2 बैच में बीएससी से भी हमने लाना स्टार्ट कर दिया है। तो हर बैच में आपको अपडेशन मिलेगा, हर बैच में आपको नई चीज सीखने मिलेगी, हर बैच के पार्टिसिपेंट जो रहते हैं उनकी क्वेरीज अलग रहती है, तो हर एक की क्वेरी में अलग से कुछ सीखने को मिलता है। हम तो खुद का स्टडी करें वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सामने वाला भी कुछ क्वेरी पूछ रहा है तो उसमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। मैंने तो मतलब यू वोंट बिलीव कि मैंने एक डायरी बनाई है, डायरी में सर को जितने भी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं या मेरे क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन लिखे हैं और वो क्वेश्चन के आंसर भी लिखे हैं। इससे मुझे बहुत हेल्प हो गई, क्योंकि बहुत बार मैं अटक जाता था। सादा आईसीआर का फॉर्मूला जो हम डालते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, तो उसमें हम बहुत बार माइनस माइनस करते जाते हैं तो वो आंसर गलत ही आता था। तो सर ने जैसी ट्रिक बताई कि वो माइनस लिखना ही नहीं है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, ये बाकी लोगों के लिए आसान था लेकिन मेरे को बिल्कुल ही वो मतलब पसंद ही नहीं थी ये चीजें। तो ये सब छोटी छोटी चीजें सीखने की वजह से टाइम काफी सारा बच गया मेरा। तो ये चीज आप इम्पोर्टेंट आप रखिए कि इसकी जितनी प्रैक्टिस कर पाए बेनिफिट आपका है, आपने जो 4 महीने दिए हैं, जो भी पैसे खर्च किए हैं उसका बेनिफिट अगर आप चाहते हो तो ये आधी आधुरी चीज होगी कि हमने अच्छे तरीके से कोर्स कंप्लीट कर लिया, मैंने सब होमवर्क भी कर लिया, लेकिन ये होमवर्क प्रॉफिट फैमिली वाला है, ये कंटिन्यू चलने वाला है और उसमें से प्रॉफिट लाइफ टाइम आने वाला है। तो आपको इमीडिएटली कल से ही चालू करना पड़ेगा, भले आप 10 मिनट दे दो, सोते टाइम आप 10 मिनट वीडियो सर की सुन लो, ये यही कोर्स कंटेंट की, और 15 मिनट एक्सेल शीट को दे दो, ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। जैसा मैंने बताया कि मुझे बहुत डर लगता था एक्सेल शीट का, तो ऐसा कोई भी टॉपिक है जो हार्ड है वो दिन में आपका जो भी फ्रेश टाइम है जिसमें आपको लगता है कि एनर्जी लेवल अच्छी रहती है, जैसे मेरी सुबह अच्छी रहती है, कुछ लोगों को शाम को अच्छा लगता है, तो वो हार्ड टॉपिक के बारे में आप सर को क्वेश्चन पूछ सकते हो, ग्रुप में डिस्कशंस कर सकते हो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और कभी भी हमें ये नहीं समझना चाहिए, मेरी बैच में ऐसा हो गया था कि जो एक्सेल शीट का लास्ट डे था उसमें मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, मतलब जब तक डेढ़ दिन टेक्निकल एनालिसिस चल रहा था मैं एकदम टॉप पे था, जैसे ही एक्सेल शीट हो गई सामने तो मेरा मॉरल एकदम डाउन हो गया। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हर बैच में ऐसा रहता है कि किसी का स्पीड बहुत ज्यादा रहता है, किसी को स्पीड कम रहता है, लेकिन जीतता यही वही यहाँ है जो कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। जैसे अभी 3 साल से मेरी कंसिस्टेंसी अच्छी है, तो मेरा जो प्रॉब्लम था एक्सेल शीट का मैंने ओवरकम कर लिया, मेरे को इंट्रिंसिक वैल्यू में भी बहुत तकलीफ थी वो काफी सारी मैंने अपडेट कर ली, और अभी तो गूगल शीट्स पे भी हम काम कर रहे हैं तो पहले से काफी चीजें आसान हो गई है। जैसे वॉरेन बफेट जी भी बोलते हैं कि मतलब इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है स्टॉक मार्केट में, आपको सच में बुद्धि कम रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन आपका इमोशनल क्वेश्चन बहुत अच्छा रहना चाहिए, स्टेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरी लास्ट 2-3 गलतियां मैं बताता हूँ आपको। मैंने क्वार्टरली रिजल्ट शुरू किया 1-1.5 साल में कभी भी अपडेट नहीं किया, मुझे लगा अभी बना है ना एक्सेल शीट, अरे हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, देखेंगे 10 साल के लिए हम शेयर ले रहे हैं तो हर 4 महीने में क्या देखेंगे, ये ऐसा अंदर से फीलिंग आती है क्योंकि आपका मन चीजें टालने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपको अभी के रिसेंटली एक्सपीरियंस से बताऊं तो जैसे मैंने डीमार्ट ऐड किया, डीमार्ट बीच में लास्ट महीने में काफी सारा गिर रहा था,
अगर मैंने क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट नहीं किए रहते तो मैं जिंदगी में डीमार्ट नहीं ले पाता था। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज जो कोर्स का मटेरियल है वो हाईली पावरफुल है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हम जिसको इग्नोर कर सके या टालम टोल कर सके। मेरी और एक आदत खराब या अच्छी आप बोल सकते हैं, मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन जैसे सर से डिस्कशन होता है मेरा तो सर जो भी बताते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मेरी आदत थी कि मैं सिर्फ पढ़ते ही रहता था, इम्प्लीमेंटेशन का कोई सवाल ही नहीं था, तो वो गलत चीज है। एनुअल रिपोर्ट्स में जो आपको मतलब मैंने अगर 10 किताबें पढ़ी और आपने एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ा तो वो 10 किताब के बराबर है। आपको उससे जो सीखने मिलेगा ना वो दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगा। जो और एक अच्छी एक मेरी गलत हैबिट यह हो गई, मैंने 3-4 महीने टेम्पो अच्छा लेता था मेरा, 3-4 महीने जबरदस्त स्टडी कंटिन्यूस फॉलो, फिर 2-4 महीने गैप, फिर 2-4 महीने के बाद देखना ही नहीं है। तो ये नहीं करना है, भले आप रोज 20 मिनट दो लेकिन ईमानदारी से दो। कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर ब्रेक लगा दी तो ब्रेन आपका उस तरीके से वायरिंग नहीं करेगा, फिर चीजें आपको मतलब नॉर्मल चीजें भी टफ लगने लगती है। तो ये कुछ मेरी गलतियां थी जो मैं चाहता हूँ कि आप नहीं करें। ये गलतियों से अगर आप कुछ भी सीख पाओ तो इस सेशन आपके लिए वर्थ रहेगा। कुछ सजेशन मैं अगर सर अगर टाइम है 2 मिनट या कहिए मिलिंद भाई। हाँ, तो मिलिंद भाई या कुछ सजेशन मैं देना चाहता हूँ नए स्टूडेंट के लिए। तो सर का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है तो आप वो व्हाट्सएप के मैसेजेस जरूर पढ़ें। सर का निफ्टी का अपडेट रहता है, स्टॉक अलर्ट्स रहते हैं, आपको हर एक जो मटेरियल रिक्वायर्ड है आपको 10 चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, मोबाइल फोन आपके हाथ में है। आप आते जाते कभी भी 10 मिनट भी आपने दिए तो आपका अपडेशन इतना फास्ट होता है, क्योंकि आज आपने अगर टाटा इलेक्सी के बारे में पढ़ा और 2 महीने के बाद भी टाटा इलेक्सी का कुछ सर ने टाइप मैसेज डाला तो आपको वो लिंकअप हो जाता है। रोज अगर आप मैसेज पढ़ते हो तो ब्रेन में साइकिल हो जाती है, आपका लर्निंग स्पीड एकदम तेज गति से बढ़ता है। तो कभी भी आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भले 10 मिनट दे दो, लेकिन यूट्यूब के फालतू वीडियो देखना, फालतू मतलब जो अदर ट्रेनिंग्स के है उससे तो यह 10 गुना अच्छा है कि आप स्पीड अच्छा पकड़ पाओ। दूसरी चीज कि बहुत व्हाट्सएप ग्रुप पे आप देखो कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो क्वेरीज पूछते हैं, उसमें कुछ क्वेरीज बहुत हाई क्वालिटी की क्वेरी होती है, कुछ एवरेज होती है, लेकिन दूसरों की अगर क्वेरी से हम सीख पाए तो बहुत पावरफुल लर्निंग है। इसीलिए मोबाइल पे हम व्हाट्सएप पे जितना टाइम देते हैं उसमें अगर हम थोड़ा और टाइम एलोकेट करें सर, जैसे क्वेश्चन आंसर रहता है सर का तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देन अलग अलग बैचेस के जो क्वेरी सेशन है, जैसे सर ने बताया कि हम सबके लिए फ्री है, हम कभी भी कोई भी कोर्स रिपीट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी फैसिलिटी दूसरे इंडिया के कोई भी कोर्स में है, तो आप ये क्वेरी सेशन जरूर अटेंड करें। क्वेरी सेशन से बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है और अपडेशन भी मिलता है। तो अलग अलग क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट होते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस है। सर से अगर हम बात करेंगे क्वेरी सेशन में, एक होता है सिलेबस और एक होता है एक्सपीरियंस का निचोड़। तो क्वेरी सेशन में एक्सपीरियंस का निचोड़ और खुल के आता है, तो क्वेरी सेशन आप कभी भी मिस आउट नहीं करें। और लास्ट एंड लिस्ट बोलता हूँ कि 30 मिनट जो है आप एक्सेल शीट डाटा अपडेशन पे दो। डाटा अपडेशन जैसी कोई चीज नहीं है, डाटा सबका बेस है, डाटा बैकबोन है। आपका डाटा स्ट्रांग रहेगा तो मार्केट में आपको कोई हिला नहीं सकता है। एंड लास्ट एंड लिस्ट के ना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर का जो भी एक्सरसाइज नया लॉन्च होता है, मेरे को 2 साल में अभी पक्का पता है कि मैंने 2 साल में सर ने जो भी एक्सरसाइज लॉन्च किया हर एक्सरसाइज में मैं पार्टिसिपेंट हूँ, भले बैक फ्रंट में हूँ बैक में हूँ। मैं तो सिर्फ इतना ही मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि सर मेरे को सिर्फ एक्सरसाइज की टीम में ले लो, जो पोजीशन देना है चाहो दो, नया स्टूडेंट समझ लो पुराना समझ लो, लेकिन ये एक्सरसाइज के दरमियान सर से जो बातचीत होती है, अलग अलग चीजें जो पता चलती है, अदर पार्टिसिपेंट से जो डिस्कशन होता है, उसमें हमें जो सीखने मिलता है वो सबसे बड़ी ग्रोथ है। एंड लास्ट का 1 मिनट लेता हूँ मैं, आपको ऑनेस्टली और दिल से बात बोलता हूँ कि अगले छह महीने सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉफिट प्रॉमिट का जो वीडियो मटेरियल है, कोर्स मटेरियल है, वो आप सुने पढ़े और एक्सेल शीट पे प्रैक्टिस करें। मेरा ओपन चैलेंज है कि ये इंडिया का सबसे बेस्ट वेल्थ क्रिएशन का कोर्स है। आपने अगर 6 महीने डेडिकेटेडली दिए, आप डाइवर्ट नहीं हुए, तो आप खुद कंपेयर कर लो कोई भी एनालिस्ट और आप इसमें आप हमेशा आगे रहोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड माय मतलब ये हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि आप जरूर इसको फॉलो करें। मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, बहुत सी चीजें सीख रहा हूँ। तो मैं सर के साथ, मेरा किस्मत बहुत अच्छा है कि सर के साथ मेरे को सीखने को मिल रहा है।
थैंक यू सो मच. थैंक यू मिलिंद भाई. थैंक यू मिलिंद भाई. और आशा रखे कि आपका अनुभव का फायदा बाकी स्टूडेंट्स को हमेशा होता जाए. यस सर. यस सर. थैंक यू. थैंक यू मिलिंद भाई. थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इन डिटेल इन डेप्थ एक्सपीरियंस. नाउ फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट विद द सर्टिफिकेट प्रेजेंटेशन. वी हैव मेड सर्टिफिकेट्स फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स. सो जिनका भी नाम स्क्रीन पे आता है, दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड दे कैन शेयर their experience and from now what they are going to do with their portfolio. So our first participant is Mr. Anil Pal. Anil ji, are you online, sir? Sir, good evening. Good evening, Anil ji. Welcome. अभी जो मिलिंद सर ने और जो उधर खरे सर ने बताया वो बहुत ही अच्छा था. और एक्चुअली मैं प्रशांत सर को बोला था कि मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने ऋषिकेश से ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था और कान में लगा लिया था. तो एक एक वर्ड ऐसा था, पोएट्री था, पोएट्री पीयूष सर का. मैं दो वीक से अटेंड नहीं कर पा रहा था. ये अपने आप को मैं बहुत ही अनलक्की मानता हूँ, क्योंकि मैं कुछ फैमिली पर्पज से कुछ बिजी था, तो लास्ट दो वीक में अटेंड नहीं कर पाया. मगर इस वक्त जो भी सुना, ये जो मिलिंद सर ने बोला और जो खरे सर ने बोला, ये एक्चुअल में मेरी भी प्रॉब्लम है जो मिलिंद सर ने बोला. तो ये सब बिल्कुल प्रैक्टिकली बोल रहे हैं, हार्ट से बोल रहे हैं. तो ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि मैं ऐसे ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे चीजों को प्रैक्टिकली लिया जाता है. और फ्यूचर मुझे अच्छा लग रहा है ग्रुप में जुड़ के. तो जो लर्निंग हुई है, दैट इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. जो सीखा है, क्योंकि जो मैं 2006 से स्टॉक मार्केट में था, मगर मैं कभी भी एक शेयर शायद एक साल से ज्यादा किसी को नहीं रखा. मेरे पास मारुति आईपीओ में था 125 रुपए का, मैंने उसको 1000 रुपए में बेच दिया. तो मैं जब फंडामेंटल की बात आई और जो पीयूष सर ने बताया, तो एक एक चीज एकदम दिमाग में छप गई है मेरे कि किस तरह से हमें कंपनी को पढ़ना है. और जो एनुअल रिपोर्ट है वो तो एकदम से बाइबल है तरह से स्टॉक मार्केट की. तो मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ सर कि मेरे को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिला. और मैं चाहूँगा कि अगर अगला भी कुछ इस तरह के कोर्स है, जो कि जैसे मेरे को जब बैच शुरू हुआ तो किसी ने पूछा था स्विंग ट्रेडिंग के बारे में या पोजिशनल ट्रेनिंग के बारे में, तो वो अगर है तो आप डिस्क्लोज करें सर, और हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उसमें अभी टाइम लगेगा. मैं एक सर का बहुत पुराना वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने कुछ लिखा हुआ था, कुछ कंसिस्ट प्रॉफिट और इस तरह की कुछ चीज आई थी, चार वर्ड का एक था वो वीडियो, तो अमेजिंग था. मतलब कि आपको ग्रोथ देखनी है और ऐसी कुछ चीजें लिखी हुई थी उसमें. तो जैसे मिलिंद भाई ने बोला कि आप 15-20 मिनट आधा घंटा किसी भी तरह से आप वीडियो देखे, तो एक्चुअली हमें सीक्वेंस नहीं पता वीडियो का, जो आता है देख लेते हैं, फिर दोबारा आ जाता है, फिर दूसरा देख लेते हैं. तो प्लेलिस्ट मैंने चेक किया अभी, तो उससे मैं काफी कुछ सीख रहा हूँ. पुराने से शुरू किया है मैंने अब सीखना पीयूष सर से. बाकी ये जो नया है ये तो बहुत ही अच्छा है. तो दैट्स इट फॉर माय साइड सर. चिंतन सर, थैंक यू, यू आर द बेस्ट कोऑर्डिनेटर. सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. और पीयूष सर को भी थैंक्स. और अगर कुछ आगे हमारे लिए है तो वी आर ऑलवेज want to connect with your group, sir. Thanks. Anil ji, Piyush bhai kuch bolo, usse pehle main bolna chahunga. Bolo Chintan bhai. Aapne aisa bola ki kuch aage hoga. Dekho sir, aap ek bar hamare sath jude hain to aap lifetime bhi connected ho. Haan, wo to mujhe maloom hai sir. Main jo bhi discussion suna wo dekha. अभी मैं बताऊं तो मैं अभी थोड़ा कच्चा हूं. जैसे सर ने बोला कि चार महीने में आप पूरी तरह से नहीं सीख सकते, तो मैं इस चीज को समझ पा रहा हूं कि मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है. और मुझे क्या, काफी लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है. तो उसके साथ साथ भी अगर कुछ और लर्निंग हो सकती है तो दैट विल बी गुड फॉर अस. यस यस, डेफिनेटली. अनिल जी, पीयूष जी, यू वांट टू ऐड समथिंग हियर? या चिंतन भाई, अभी क्या है, अभी जस्ट आज ही कोर्स खत्म हुआ है, बराबर ना. तो पहला हमारा फोकस ये रहे कि
जो भी चीजें रह गई है, क्योंकि हमने कोर्स हम फटाफट एक एक हफ्ते नया नया सिखा होगा हमने, पर वो पूरा काम हुआ नहीं होगा। तो पहला गोल ये रहे कि जो कुछ सीखा पिछले 4 महीने में उसे कंप्लीट कर दे, बराबर ना। तो अभी कोई भी नया पोजिशनल ट्रेडिंग, चलो अच्छी चीज है, पर उसको अभी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी जो सीखा है फिर वो भूल जाएंगे। तो सबसे पहले जो सीखा उसको एकदम परफेक्ट फाइल बना लो अपनी, बराबर ना। आने वाला 6 महीना कुछ और नहीं करना है, जो बेस हमने तैयार किया उसको पक्का बना देना है, राइट? यस सर। ताकि एकदम माइंड में सॉलिड हो जाए वो। ओके अनिल भाई, यस सर। और मीनवाइल हम कोई एक्सरसाइज लॉन्च करेंगे तो वो भी अच्छा फायदा कर, फायदे के लिए रहेगी अच्छी। लेकिन उससे पहले भी मैं चाहूंगा आपकी ग्रोइंग इंडस्ट्री की और टॉप क्वालिटी का एक एक्सरसाइज पूरा हो जाए, बराबर? श्योर सर, श्योर श्योर। थैंक यू अनिल जी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज मिस्टर अशोक सोनागरा। अशोक जी आप ऑनलाइन है तो अनम्यूट कर सकते हैं सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अशोक जी, वेलकम। थैंक यू सर। यू कैन स्टार्ट विद योर एक्सपीरियंस, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस सर। वैसे तो मैंने सर का सबसे पहले राजकोट से सेमिनार अटेंड किया था एक दिन का, उस दिन से मैं सीखना चाहता था, लेकिन एक दिन में तो नहीं सीख सकते, ये सबको मालूम है कि ये फंडामेंटल एक दिन में सीखने वाली बात नहीं है। ये हम 5 महीने से इसमें कर रहे हैं, फिर भी मुझे मुझे टेक्निकल, पहले से टेक्निकल में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं टेक्निकल का बहुत सारे सेमिनार भी करता, वीडियो भी देखता था। हमारी जो राजकोट में एक ग्रुप से हर महीने 2-3 महीने उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन फंडामेंटल के बारे में जब मैं टीवी में बोलता है मार्केट कैपिटल, ये फेस वैल्यू, ये सब क्या है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। एनपीए ईपीएस ये कैसे गिनता है, इसको कैसे करता है, मालूम ही नहीं पड़ता था। लेकिन जब मैंने ये एक दिन मैंने ये वीडियो देखा यूट्यूब में कि सर ये ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, तो मैंने प्रशांत जी से कॉन्टेक्ट किया, उसका नंबर मेरे पास था, तो मैंने उसको कॉल किया कि मुझे ये करना है तो कैसे करूँ। तो उसने बोला कि अभी तो बैच फुल हो गई, आप नेक्स्ट बैच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसने मुझसे कॉल किया कि जून बैच में आप रजिस्टर कर सकते हो, और जब मैंने ज्वाइन किया तब ये फंडामेंटल के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था, और ये जो एनुअल रिपोर्ट आते हैं ना वो, जब मैं बहुत 90 से मैं शेयर बाजार में हूँ तो पहले तो फिजिकली आते थे, तो मैं पस्ती में डाल देता था, उसमें मुझे पता ही नहीं चलता था कि उसमें क्या लिखा है, क्या देखूँ, उसमें बस इतने इतने चीनी चीनी अक्षर होते हैं, 200-300 पेज होते हैं, तो उसमें से मुझे काम का क्या है वो तो मुझे मालूम ही नहीं था। लेकिन जब से ये कोर्स किया और जब ये डेटा निकालने लगा, तो सबसे पहले बीएससी की साइट से निकालता हूँ, इसके बाद फिर मुझे जो जो डेटा बीएससी की साइट से नहीं मिलता है उसके लिए मुझे एनुअल रिपोर्ट में जाता हूँ, पीडीएफ फाइल में। पीडीएफ फाइल जब जब जो मैंने मैंने सबको पता होगा कि मैंने पहले जो ग्रोइंग इंडस्ट्री का जो सब पूरा के पूरा 122 का कंप्लीट किया था, तो उसके अंदर जो जो डेटा मुझे नहीं मिल रहा था जो पुराने वाले, तो मैं पीडीएफ खोल के उसमें से देखता था। तो जब पीडीएफ खोलता था तो उस कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ पता चला। जब मैंने एलएनटी की पीडीएफ खोली तो मुझे लगा कि ओह ये बहुत सारी कंपनी बहुत सारा सेक्टर में काम कर रही है। जब निकाला तो मुझे लगा कि ये बुलेट ट्रेन का भी मतलब रेल का प्रोजेक्ट करती है, कितने सारे प्रोजेक्ट करती है। तो ये मतलब मुझे ये एनुअल रिपोर्ट से मालूम पड़ा। तो मैंने सोचा कि जब ये लेसन होता है तो उसमें तो क्या होता है कि सिर्फ हमें 5-6 इंडस्ट्रीज के बारे में ही करना पड़ता है, क्योंकि सब तो नहीं कर सकते। लेकिन मैंने पहले से सोचा था कि मैं दूसरों का रेडीमेड डेटा नहीं लूंगा, मैं खुद का अपना रेडीमेड डेटा बनाऊंगा, डेटाबेस बनाऊंगा। तो ये इसमें इन बीच में मुझे कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो मैं 15 दिन घर पे क्वारंटाइन हो गया। तो उस दिन उस टाइम में मैंने क्या किया कि पूरे जो पूरा सबसे पहले वाला जो हमारी एक्सरसाइज थी इंडस्ट्रीज की, तो वो कम्प्लीटली पूरे जो सब पूरी की पूरी मैंने अपने हिसाब से कर ली ढूंढ के। और उसके बाद मैंने अभी मैं टॉप क्वालिटी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, उसमें अभी मैंने 20 कंपनी में काम किया है, और मैं ऐसा करना चाहता हूँ उस सीट में जो पहले सीट में अभी आपको शायद मालूम नहीं, सबने देखा होगा कि नहीं, कि वो फ्रंट पेज एक सीट के अंदर हम पूरे
मेरा मतलब जो इंडेक्स होता है इस तरह से उसमें आ जाता है। तो मैंने अभी टॉप क्वालिटी कंपनी में भी इस तरह का कुछ काम किया है जिसमें से हम ये पूरा जो उसका डेटा देखेंगे कि सेल्स कितना बड़ा है, प्रॉफिट किसका ज्यादा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये सब, तो उसके हिसाब से हम उसको ए बी सी डी ग्रेड में नाम दे देंगे। उसमें से जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से, मेरे रिसर्च के हिसाब से, कि जिसका सेल्स बड़ा है, जिसका प्रॉफिट बड़ा है, जिसका एनपीएम बड़ा है और आईसीआर क्या है, तो उसके हिसाब से मैं ए बी सी डी दे देता हूँ। और जो इसका इंडेक्स मैंने बनाया है, अगर सर इजाजत दे तो मैं अभी शेयर कर सकता हूँ उसको और सबको बता सकता हूँ कि मेरा काम अभी चल रहा है, खत्म होने के बाद मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। उसमें क्या है कि मैंने पूरे का पूरा सेक्टर का टोटल लिखा दिया कि पूरे सेक्टर का मार्केट कैपिटल कितना है, जो अभी इंडस्ट्रीज का उसका टोटल सेल्स क्या है। उसके बाद जो मैंने निकाला है उसमें मैंने एक मिनट में शेयर करता हूँ, दिख रहा है सबको? तो ये टोटल ये ग्रोइंग रेट चल रही है। हाँ, तो इसके अंदर देखिए ये पूरी लिस्ट बनाई है जो हमने मिड टर्म ग्रोथ के हिसाब से। इसमें मैंने क्या किया, इसमें देखिए कि हेल्थ केयर सेक्टर में जाएंगे तो इसके अंदर मैंने पूरा के पूरा ये बनाया है, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल उसका टोटल कंसोलिडेशन सेल्स का ये पूरे का पूरा डेटा मैंने अपने हिसाब से निकाला। उसमें रिजर्व और डेप जो सर ने बोला था मेरे को वो भी डाल दो। अभी क्या हुआ है सर कि मैंने उसको ग्रेड दे दिया कि उस सबके हिसाब से सेल्स किसका ज्यादा है और उसके बाद किसका ये नेट प्रॉफिट मार्जिन किसका ज्यादा है, इसके हिसाब से मैंने एबीसी कर दिया है। तो अभी मैं क्या, मेरे क्या क्या होता है कि इसका इंडेक्स मेरे को मिल गया। देखिए यहाँ पर मैंने टोटल कर दिया है और ये एवरेज ग्रोथ है, लेकिन अभी यहाँ मैंने ये देखो ये मैंने बना दिया है पूरे का पूरा कौन सी इंडस्ट्री, इस सेक्टर की कौन सी इंडस्ट्री सबसे पहले आएगी। अभी यहाँ से मैं बी सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ से दूसरे वाली जो कंपनी वो आ जाएगी सबका लिस्ट। तो उसमें क्या मिल जाएगा, मुझे पूरे का पूरा का इंडेक्स मिल जाएगा कि इसका इक्विटी कितनी है, इसका सेल्स कितना है, करंट मार्केट का नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये सब यहाँ से मुझे इंडेक्स से मिल जाएगा। तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ सब के पूरे डेटा के अंदर इस तरह। और इसमें मुझे फायदा ये हुआ कि एक एक कंपनी में मुझे उसका ये उसके एनुअल रिपोर्ट पे जाना पड़ता है। उसके पहले तो मुझे यही मालूम था कि रिजर्व किसको बोलते हैं और डेप्थ किसको बोलते हैं, लेकिन सर ने मुझे बताया कि इसको, तो इसके लिए मैं बैलेंस शीट में गया, उससे वहां देखता हूँ। तो ये इससे मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि दूसरों का मालूम नहीं, लेकिन मैं मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा कि पूरे सेक्टर का मार्केट कैपिटल कितना है और उसका सेक्टर का सेल्स कितना है और इसकी इक्विटी कितनी है। तो यहाँ से मुझे ये मालूम हो जाएगा कि मेरी जो सिलेक्टेड कंपनी है उसकी इक्विटी कितनी है, उसका सेल्स कितना है और उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो मुझे सेक्टर में कंपेरिजन करने में आसानी होगी। अगर इसके बारे में, इसके बाद भी अगर मुझे डिटेल में देखना है सेक्टर के बारे में, यहाँ से मुझे पूरे के पूरा इसका जो बायोडेटा मिल जाएगा। तो ये इस तरह से उसमें भी कोई गलती अपडेशन होगा कुछ डेटा के, तो मैं उसके अपना अपडेशन करने में काम करूंगा। थैंक यू सर, बढ़िया बनाया है, बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया अशोक भाई, गुड यार एकदम। तो इस बार तो राजकोट आना नहीं है, नहीं तो क्योंकि हम अगले महीने अभी गुजरात के लिए मीटिंग करने वाले हैं, अपने हर बार करते हैं ना, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, इस बार ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, पर आप लोगों का प्रेजेंटेशन तगड़ा होना चाहिए उसमें गुजराती में, बराबर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं तो राजकोट आते तो पक्का मिलते हैं। नहीं बिल्कुल सर, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। और उसमें सर ये जो मैं बना रहा हूँ मैं शेयर करूंगा, आप उसमें से मुझे कोई मेरी जो गलती है तो आप उसमें मुझे गाइड करेंगे, ठीक है सर? पक्का पक्का, श्योर, बढ़िया बनाया है आप। देखो अपने आप क्या होगा पता है आपका, आपने जो भी जो क्रिएट किया है ना, धीमे धीमे जैसे और आगे बढ़ते जाओगे ना, अपने आप इसमें से एरर निकालने वाले। हाँ वो तो सही है सर, मैं पता चल जाएगा। नहीं यार, यहाँ पे मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जो हम लोग बनाते हैं ना, इसमें ये जैसा कि मैंने अभी ये एबीसीडी कंपनी बनाया, मुझे ये हाँ। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज आएगी जिसमें हम कंपनी के पूरे 20 बरस का इतिहास निकालते हैं, उसमें हम क्वार्टर 1-2-3 का 4 का इतिहास करता है। तो मैं ये ऐसा चाहता हूँ कि पूरे का पूरा चारों का जब यहाँ सिलेक्ट करें तो हम पहले फ्रंट पेज में
वहां से डेटा मुझे यहीं पे मिल जाए, वो बार बार उस सीट पे जाने की जरूरत ना पड़े। मतलब जिस सेक्टर के बारे में देखूंगा तो उसका कंपैरिजन यहीं से मिल जाएगा, क्वार्टर वन में कितना है, टू में कितना, थ्री में क्या, और इसके बाद फाइनल में क्या है। तो ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन ट्राई करता हूँ अभी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। बराबर बराबर, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बढ़िया हो जाएगा वो तो। और इसी प्रकार से नई नई क्रिएटिविटी कर सकते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट अपन डाल सकते हैं, बराबर ना, ताकि हमें पता चले इतने सबके से कौन सी इंडस्ट्री के धंधे बढ़ रहे हैं। जी जी, बराबर ना। अभी जो स्टूडेंट ने एक्सरसाइज की थी ना, आपने देखा था कि सारे स्टूडेंट ने क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट किए थे। जी जी, उन लोगों ने क्या किया था, ऐसे ही जितनी भी इंडस्ट्री है सबके सामने क्वार्टरली रिजल्ट डाले थे, उनको पता चल गया इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री के धंधे बढ़ रहे हैं और कौन से घट रहे हैं। जी सर, बराबर। मुझे, मैं सर सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब ये मैं सेल एक्सेल सीट ग्रुप में डालूं तो ये सब देखे और उसमें से जो भी गलती है, मतलब हो सकती है डेटा में, तो वो मुझे शेयर करें, वो अपनी करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। बराबर है, बराबर है, बढ़िया अशोक भाई, राइट। जैसे जैसे होता जाए आप उसको डाल सकते हो ग्रुप में, है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा अशोक भाई आने वाले टाइम में आप और अपडेट करते जाए और आगे बढ़ते जाए, राइट। और भविष्य कोई डाउट ही नहीं है, एकदम बढ़िया रहेगा। आपका राइट, आपका साथ है सर। या सवाल ही साथ ही हम सब लोग। थैंक यू सर। या ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर वेरी मच। चलिए, अशोक भाई के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया उन लोगों, उन्होंने डेटा स्टडी किया और बढ़िया डेटा प्रेजेंट किया है, है ना। यस चिंतन भाई। यस, थैंक यू वेरी मच। अवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज मिस्टर विनोद पासी। विनोद जी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। विनोद जी जैसे वो अनम्यूट करने गए वैसे एग्जिट हो गए लगता है, गलती से कुछ प्रॉब्लम हुआ। हाँ, I think we will take his, अब जब वो वापस आते हैं, we will take his. Yeah. Next participant, Mr. Dhaval Shah. Dhaval Shah, are you online? Yes, I am online. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. You can start, Dhaval ji. Hello. Dhaval ji, you can start. Okay. Yes. First of all, sir, thank you very much for all of your great lessons that we learned from you. You are a really a very amazing teacher. Sir, जब से 20-25 साल से मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग चालू किया है, तो आज तक कोई हफ्ता ऐसा नहीं था कि जिसमें मैंने कोई स्टॉक लिया और बेचा ना हो। और जब से ये कोर्स ज्वाइन किया है, तब से 4 महीने में कोई भी शेयर लेने के बाद मैंने बेचा नहीं है उसको, तो काफी पेशेंस डेवलप हो गई है। वाह, बढ़िया। और सर, ये 20-25 साल में मतलब काफी ट्रेडिंग, कितनी भी बार ट्रेडिंग किया, पर कभी भी मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आया नहीं है जो ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद में आया है, कि रियली लीडर्स कंपनी के साथ में रहने के बाद क्या एडवांटेज मिलते हैं और कंसिस्टेंटली मिलते ही जाते सालों साल तक, वो पहली बार आज पता चला है। धवल भाई, आपको देख के ये नहीं लगता है कि 25 साल से कर रहे हो, मतलब आपके एज के हिसाब से। मेरी एज 39 है, और जब से मैं कॉलेज में था, मतलब 12th खत्म करने के बाद, मेरे फादर को स्टॉक मार्केट का काफी इंटरेस्ट था और मैंने बचपन से यही देखा है कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में काफी मतलब काफी इन्वॉल्वमेंट रहा है उनका, तो बचपन से ये सीखा है, तो पहले से इतना पैशन था और स्टॉक मार्केट के प्रति इतना लगाव था। पर मैंने कभी मतलब मेरी में इतनी पेशेंस नहीं थी कि एक बार लेने के बाद इतने लॉन्ग टाइम तक होल्ड किया रखे मतलब किसी भी स्टॉक को। तो वो आज ये आपके कोर्स ज्वाइन करने के बाद में काफी पेशेंस डेवलप हुई, और पेशेंस इसीलिए डेवलप हुई है कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है कि जो भी शेयर एनालिसिस करने के बाद में निकलता है, उसमें लॉन्ग टाइम रहने के बाद में भी कुछ ऐसा मतलब फील ही नहीं होता है कि इसमें लॉन्ग टाइम रहने के बाद नुकसान आएगा, ऐसा ऐसा ही कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग रहा है कि 15-20 साल तक इसको होल्ड करे रहेंगे तो प्रॉफिट होगा ही होगा।
तो मैंने ये ज्वाइन करने के बाद में वोल्टास, डॉक्टर लालपेत लैब, हैवल्स जैसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया था, आज वो 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। तो वो सब वो आपके वो मतलब 20-25 कंपनियां ली थी सर, जो आपसे आपके लेक्चर सुने और ये सब करने के बाद में, तो आपकी जितनी फीस है उससे तो मैं मतलब ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद में 4 मंथ्स में भी मुझे 18 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और इतना पीस ऑफ माइंड रह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये पहले सीखना चाहिए था। तो रियली सर यू आर अ अमेजिंग टीचर एंड थैंक यू अगेन। या मैं ऐसा चाहूंगा हाँ प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली का मेंबर लाइफ टाइम रहे और आगे जो भी आपके कोर्सेज है कुछ नया सीखने को मिलेंगे मिलेगा तो काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए। इट्स माय प्लेजर कि हम सब लोगों ने साथ में अच्छा सीखा और अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, राइट। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। कोर्स को इतना कॉम्प्रिहेंसिव इतना मतलब ऐसा बना दिया है कि अगर कोई भी बंदा इवन 4-5 साल तक भी अलग अलग किताबें लेके पढ़ेगा तो इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट तो नहीं कर पाएगा, इस जैसे आपने बना दिया है कोर्स को। थैंक यू धवल जी, थैंक यू वेरी मच, और मिलते रहेंगे। हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू धवल जी। आई वांट टू नो आप कौन से शहर से हो? मैं पाटन से सर। ओके ओके फैंटास्टिक, तो पाटन आना होगा। मैं मेरे गांव से है, मेरे गांव से चिंतन भाई अपन गए थे। हां सर, नहीं नहीं पाटन में नेक्स्ट टाइम पाटन जाएंगे तो उन सर को मिलेंगे, धवल जी को। आई थिंक विनोद जी ऑनलाइन हो गए। विनोद जी? हां जी सर, मेरा डिस्कनेक्ट करता बार बार कनेक्शन। ओके सर, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस सर। सर एक्सपीरियंस का शेयर करना है बस, अभी पूरा कॉन्फिडेंस जो है चार्ट पढ़ने का तो बिल्कुल नहीं है, तब भी चार्ट कैसे पढ़ते हैं, फंडामेंटल थोड़ा समझ आ गया था करने के लिए और बाकी बीच में अटक गया, उसके बाद फिर कोर्स बड़ा फास्ट हो गया तो हम स्लो गए उसके हिसाब से। आपको आवाज आ रही मेरी अभी? यस यस हाँ जी, मैंने कहा मेरी 67 इयर्स की एज है। हाँ करेंगे सर, बीच में कोरोना का चक्कर पड़ गया था ना उसमें, थोड़ा फिर मैं वीक हो गया था उसमें, किया नहीं ज्यादा उसमें, कोई शांति से ना, कोई चीज की जल्दबाजी करेंगे उसको भी करेंगे। आपका ये जो एक आपने जो ऐप लॉन्च किया ये उसके लिए भी कर देंगे ना आप, उसके लिए क्या कहते हैं एप्पल वगैरह के लिए होते ना? हाँ वो हमने प्रोसेस तो कर ही दिया है, पर एप्पल का क्या है थोड़े समय बाद होता है, तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद कर रहा हूँ 1 महीने में एप्पल का भी हो जाएगा। ओके, और एक बात होती है आपको आईसीआर निकालने के लिए आजकल प्रॉब्लम पड़ गई, कई कंपनियों को अपना आईसीआर ज्यादा दिखाना पड़ा लीज प्रॉपर्टी की वजह से, उसके लिए कोई नया वीडियो बनाएंगे उसके लिए कैसे? नहीं क्या समझा नहीं, क्या कहा आपने? जैसे लीज प्रॉपर्टी को आजकल अपना आपको डेट पे शो करना पड़ता है, बराबर है, जैसे वो रेस्टोरेंट कंपनी जो है हमारी जुबिलेंट फूड है उसका जैसे, तो उनका अब आईसीआर तो मतलब लगता है उनका जैसे डेट ज्यादा बढ़ गया उनको, जबकि डेट उनको है नहीं एक्चुअली, तो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियल डेट एंड दिस टाइप ऑफ डेट एक्चुअली, राइट। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि फाइनेंस में, फाइनेंस में तो ये लोग अभी फाइनेंस में ही बता रहे हैं इसको, राइट, तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो हम लोग डालते हैं ना, डेट और इक्विटी डी रेशियो इन लोगों का हम लोग सेट कर सकते हैं। अच्छा राइट, पर मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगा जिससे थोड़ी और क्लियरिटी हो जाए, बराबर ना। और ये जो अशोक सुनागरा जी बहुत लंबी लंबी लिस्ट बनाती हैं, इनकी लिस्ट बहुत अच्छी है, हमें तो यही देखना था कि हमको साइट देखनी कैसी है इतनी लंबी साइट को, हम जब देखते हैं बहुत लंबी चली जाती है तो एक साइड पे छोड़ रख देते हैं बाकी चलाते रहते हैं और आगे चलता रहता है, हमसे तो वो बनता ही नहीं है, कैसे बनाते हैं पता नहीं है। टाइम लगेगा धीमे धीमे, ये लोग एकदम क्या है जो मिलेनियल है ना, ये इनको तो पहले काम आता कब। आप मेरी बात, जैसे अशोक ने दिखाया था अपना चार्ट, तो पहले 3-4 लाइन फिक्स हैं, बाकी आगे की लाइनें मूव करती रहती हैं ऑटोमेटिकली, वो हमको तो पूरी शीट मूव करनी पड़ती है देखने के लिए, वो कैसे करते हैं हमें पता नहीं चलता उसको देखने के लिए। हाँ अच्छा, उनको वीडियो बनाना, अशोक भाई को बोलते हैं एक बार कि अशोक भाई एक बार ट्रेनिंग रखो, बराबर ना, वो
जो भी आपके माइंड में चीजें आती है ना, इनको कहेंगे ना तो हम स्पेशल एक एक चीज के सेशन रख सकते हैं। ये चीज में थोड़ी कमी लग रही है तो इस चीज पे बात करें, तो हम लोग करेंगे ये दो तीन टॉपिक। अच्छा, एक चीज आपसे पूछ रही थी, प्रोग्राम करेंगे बराबर ना। अच्छा, एक चीज पूछ रही आपसे, जैसे हमने कुछ कंपनी में काम किया, पहले बार में किसी और कंपनी काम किया, नेक्स्ट टाइम किसी और कंपनी काम किया, थर्ड टाइम किसी और कंपनी काम किया, लेकिन उन कंपनी में कुछ और लोगों ने काम कर रखा है, तो उनके काम के साथ काम को कंपेयर करें या हर एक शीट पे अलग अलग काम करना पड़ेगा कंपनी के ऊपर? अब जितनी कंपनियों में काम कर रहे हो ना, हाँ कहिए क्या कह रहे थे? जैसे ग्रोइंग इंडस्ट्री में हमने किसी और कंपनी में काम किया, इमर्जिंग में किसी और कंपनी काम किया, कुछ लोगों ने किसी कहीं काम किया, कुछ लोगों ने कुछ काम किया, तो हम उनके डाटा को लेके उसको कट पेस्ट करके आगे मूव कर सकते हैं या अपने हमें खुद से रिसर्च दोबारा करनी पड़ेगी कंपनी का, जो कि ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है? उन लोगों के डेटा पे कर सकते हैं काम, लेकिन उसमें क्या होता है, एरर आने के चांसेस होते हैं। जैसे देखो, अभी मैं दो तीन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि जैसे आज हमारी जो त्रिलोक भाई के साथ जो बात हुई, उसमें उन्होंने जो डेटा रखा था, देखो वो स्टैंड अलोन डेटा था। इससे क्या होता है, जब हम कोई और डेटा लेते हैं ना, तो उससे हम कंफ्यूज रहते हैं, हमको लगता है कि यार ये क्यों ऐसा बता रहा है, पर असल में डेटा में कमी होती है। किसी और का डेटा अगर अपन लेंगे तो उसमें उन्होंने पता नहीं वो क्या बताना चाहते हैं, उन्होंने कंसोलिडेटेड लिया है, स्टैंड अलोन लिया है, उन्होंने क्वार्टर वन लिया है, पता नहीं क्या लिया है। तो हो सके उतना खुद का ही डेटा पे काम करें, पर हाँ आप डेटा ले सकते, सेल्स प्रॉफिट सब डेटा ले लेने के पर सबसे टाइम लगता है वो जो आपको निकालना पड़ता है, 20 साल का पिछला निकालना पड़ता है ना, उससे बहुत टाइम लगता है एक्चुअली। सही बात है, टाइम लगता ही है, उसमें पूरा दिन लग जाता है बनाने में। हाँ तो वो एक बार बहुत टाइम दिया ना, फिर वो परमानेंट अपने हो जाता है, एक बार समय देना पड़ेगा वहां पे, बराबर ना। और मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालने में दिक्कत पड़ती है। करेंगे, अभी तो मैं खुद दिल्ली आया हूँ कुछ काम के लिए, फिर देखो जाएंगे, फिर देखते हैं हां करेंगे बाद काम। आई विल डू द वर्क। 5 महीना है अपने पास विनोद भाई, आने वाला जो 6 महीना है, ऐसा भी नहीं है कि जल्दी करना है, पर शांति से जितने करते जाएंगे कम से कम क्या होगा विनोद भाई, खुद पे विश्वास रहेगा, हमको पता रहेगा कि हमने किया है, क्या डेटा लिया है, बराबर ना। तो हम जो ये डाल रहे हैं इसके अंदर शीट के अंदर, एक साल के बाद गैप हो जाएगा वहां से सारा सिस्टम से क्या? नहीं, जैसे हमने कोई शीट पे काम किया, हमने जैसे कोई शीट पे काम किया और आपकी उसके साइट में डाल दिया, तो वो एक साल के बाद हमारा हमारी तो रिन्यूअल खत्म हो जाएगी ना, फिर लिखा था अगर 240 डेज लेफ्ट, 239 डेज लेफ्ट एक्चुअली, तो उसके बाद हम डाटा कहाँ से देखेंगे वो अपना, हमें कहीं और सेव करके रखना पड़ेगा अपने पास? क्या डेटा तो सब ऐप पे अपडेट होता ही जाएगा। अच्छा, सब डेटा मिलेगा। ओके, आपने जो डेटा बनाया है ना, वो हमारी ऐप पे नहीं बनाया है, वो आपने अपनी एक्सेल शीट में बनाया है। तो नहीं, एक्सेल पे तो मुझे भी काम करना आता है, मैंने उस पे काम किया, शीट पे काम किया, मुझे एक्सेल तो नहीं समझ आया ज्यादा। हां, उस गूगल शीट पे काम किया मैंने। की हो तो परमानेंट आपके पास रहेगी। अच्छा, ओके, तो अब भी चाहे हमने उसमें आपके उसमें किया है तब भी हमारे पास रहेगी वो, हमारे पास ऑटोमेटिकली। हां, हमने जून बैच में डाला है जैसे ना, एक हैबिट रख ली कि अपने ग्रुप में बहुत से लोग अपने अपने डेटा डालेंगे, तो बैंक पे काम करके डेटा डाला, डाउनलोड कर मेरे कंप्यूटर में, वो भी अलग अलग जगह से डेटा आते हैं, मैं सब इकट्ठा करके उसमें डाल देता हूँ, ताकि कभी प्रशांत जी ने डेटा डाला तो वो कंपनी में मैंने काम नहीं किया, मैं वो डेटा तो देखता। ठीक है, ओके विनोद भाई। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। या थैंक यू, थैंक यू विनोद भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस, और मिलते रहेंगे सर। या ओके, अवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज मैडम माला उन्नति। माला मैडम, आप ऑनलाइन हो सर? मैडम
अच्छा आई थिंक माला मैडम आज ऑनलाइन नहीं है, नो प्रॉब्लम, अगर वो आ जाएंगे तो सर उनका ले लेंगे। वी विल गो विथ नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट माकेश नागार्जुन। माकेश जी आप ऑनलाइन हो? ओके नो प्रॉब्लम, माकेश जी भी ऑनलाइन नहीं है। वी विल गो विथ नेक्स्ट पार्टिसिपेंट विशाल जयप्रकाश। विशाल जी आप ऑनलाइन हो? यस आप ऑनलाइन हो, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। ओके आई थिंक विशाल जी इज नॉट एबल टू अनम्यूट हिमसेल्फ, नो प्रॉब्लम, वी विल कम बैक टू विशाल जी इफ यू कैन अनम्यूट हिमसेल्फ। या विशाल, विशाल आई एम देयर, आई एम देयर, आई एम देयर। ओके 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 विशाल प्लीज, वेलकम विशाल, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से समथिंग अबाउट पीयूष भाई, आप जिस हिसाब से, जो सिंप्लिसिटी से आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत बढ़िया। मतलब इनफैक्ट मेरे को तो जीरो नॉलेज था, कोई भी नॉलेज नहीं था इसमें, और अभी जितना भी नॉलेज गेन हुआ है सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है। तो थोड़ा बहुत जो सीखा है अभी, स्टिल आई एम लर्निंग, आई नो थोड़ा बहुत पेंडिंग है मेरा वीडियोस कंप्लीट नहीं, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे फंडामेंटल्स सॉरी टेक्निकल में आप थोड़ा तेजी हो गई और मेरा थोड़ा सा पीछे रह गया मैं, तो ठीक है मेरा बाकी है वो मैं कर लूंगा शांति से बैठ के। तो टेक्निकल थोड़ा फास्ट चला था ऐसा है? टेक्निकल थोड़ा फास्ट हो गया मेरे लिए। अपन थोड़ा सा अच्छा अच्छा तो थोड़ा स्लो, अगर ऐसा लगा हो तो ओके, पर शांति से प्रैक्टिस कर लीजिएगा सर। टेक्निकल है ना? हाँ सर टेक्निकल बात, फास्ट था एक्चुअली टेक्निकल। हाँ विनोद यही बताया, आपने भी यही बताया, बहुत सारे वीडियोस थे उसमें, तो ऐसा हो रहा था कि वो वीडियोस देख रहा था फिर पीछे का भूल रहा था। तो मतलब ठीक है कोई बात नहीं, अपन अपनी गाड़ी, बाकी लोग इधर तेजी नहीं पड़े, एटलीस्ट अपन जो भी करे थोड़ा अच्छा से करे, वैसा बराबर बराबर। नहीं नहीं सही बिल्कुल सोचा, पर कर लेना विशाल भैया ना, क्योंकि आपने मुश्किल काम कर लिया, फंडामेंटल सही में बहुत मुश्किल था, मुझे पहले सिखाने में बहुत ही वो, मेरे को सर दर्द होता था, मैं रोज नए तरीके ढूंढता था कि यार मैं कैसे समझाऊं कि लोगों को ये सब चीजें आए, पर मेरे को भी तरीके नहीं आते थे समझाने के, ऐसा था बिग चैलेंज। और टेक्निकल बहुत सिंपल है, तो आपने मुश्किल चीज समझ लेना, अभी टेक्निकल बहुत ही सिंपल होगा, बराबर विशाल भाई? यस सर। ओके आप कौन से सिटी से हो विशाल भाई? कैसे अगर मेरे को अगर कुछ डाउट बिट्स रहेंगे तो कैसे मैं फिर टच बेस करूंगा सर? राइट, देखो कभी भी कोई डाउट होता है आप ग्रुप में भी पूछ रहे हो, वहां पे भी डाल सकते हो, और कोई डाउट होता है आप डायरेक्ट हमको कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसके कांटेक्ट में हो? प्रसाद की, प्रियंका? प्रसाद के कांटेक्ट में हूं सर मैं। ओके क्या करने का, एक 15-20 मिनट का एक सेशन बुक कर लेने का कि भी प्रसाद मेरे को 15-20 मिनट थोड़ा बातचीत करना है ये टॉपिक के ऊपर। अच्छा। क्या करेंगे, ऑनलाइन ही एक 15-20 मिनट बातचीत कर लेंगे, ताकि वो जो आपके जो 2-3 क्वेरी है वो पूरी 15 मिनट में क्लियर हो जाए। ओके ओके राइट, तो ऐसा ऐसा सोचना नहीं कि मैं पूछू नहीं पूछू, ऐसा मत सोचना। कोई आपको बातचीत करनी है बेझिझक प्रसाद प्रेम का किसी से भी बातचीत करके वो सेशन ले लेने का। यस सर, थैंक यू सर। या ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। और आपका सिटी में, भूल गया कौन से सिटी से हो सर? आपका आवाज नहीं है, क्या बोले आपने? आप कौन से शहर से हो? पुणे, पुणे शहर से सर। ओके पुणे, तो पुणे में अभी मीटिंग किया हमने, है ना? ओके ओके चलो, आपकी फैमिली और बड़ी बनती जा रही है पुणे की, तो बराबर। ओके सर, ओके धन्यवाद। पुणे आएंगे तो फिर मिलेंगे सर। क्या पक्का मिलेंगे ना, क्यों नहीं, जरूर। थैंक्स अ लॉट विशाल, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक्स थैंक्स। अवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज अभिषेक रस्तोगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अभिषेक। गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। जितना मतलब सिंपलिसिटी से सर आप समझा रहे हैं, यू आर एन अमेजिंग टीचर ऑनेस्टली, और
साथ में सर कोर्स एंड होने के टाइम भी अगर आप ये कह रहे हैं कि हम लाइफ टाइम हम एक टीम की तरह डिस्कस करते रहेंगे, प्रॉब्लम आती है तो आपसे डिस्कस कर सकते हैं, तो सर वाकई में मतलब इंडिया में शायद ही ऐसा कोई, आप ही मतलब अभी तक मैंने ऐसा सुना नहीं कि कोई टीचर ऐसा कहे कि आप कभी भी अपने क्वारी सॉल्व कर सकते हैं, आके डिस्कस कर सकते हैं कोर्स एंड होने के बाद। एंड सर देखिए वैसे तो मैं अब मतलब काफी कम ध्यान दे पाया हूँ इस कोर्स पे, बिकॉज लॉकडाउन के बाद एकदम से काम का इतना प्रेशर हो गया कि थोड़ा सा वैसे बिजनेस है मेरा लेकिन फ्रेंचाइजी मॉडल है, तो सेल्स टारगेट एंड एवरीथिंग ऑल, तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो गया था टाइम बाय टाइम मतलब वीडियोस देखना एंड वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करना, बट स्टिल जब भी मेरे को टाइम मिला मैंने किया। अभी फंडामेंटल मेरा थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, टेक्निकल तो लगभग अभी रहता ही है मेरा, बट अभी नवंबर में मैं अभी फ्री हो गया हूँ और मैंने थोड़ा सा अपना टाइम देना शुरू करा है, फिक्स करा है कि मैंने एक घंटा ओके okay, मैंने good. बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से मैं बिल्कुल स्टार्ट करा है मैंने, और वेरी गुड हाँ सर बस बाकी थैंक्स अ लॉट सर, बाकी वाकई में इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, मैं काफी कुछ मैंने लर्न किया है और पूरी उम्मीद है मेरे को मैं धन्यवाद मतलब अभिषेक जी आपका, मेरे को बहुत डर लगता है क्या सर मेरे को क्या डर लगता है अभिषेक जी कि जब अपनी जैसे रेगुलरली वीकली में बात नहीं होती तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि इनको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलो आप ठीक रहे हो सर, वॉइस ऑडिबल नहीं, ओके सर वॉइस ऑडिबल नहीं है आपकी साइड से थोड़ा सा, हाँ एक मिनट ओके, थोड़ा नेट में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगा। अभिषेक जी मुझे है ना जब हम लोग वीकली मीटिंग में नहीं मिलते थोड़ा डर लगता है, मैं सोचता हूँ कि ऐसा तो नहीं है समझ नहीं आ रहा होगा, है ना जी, जी. चलो शांति से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, यस सर पूरा कर लेना आप, है ना अभिषेक भाई, बिल्कुल बिल्कुल सर मैं बिल्कुल करूंगा, और कभी भी कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो मन में नहीं रखना, प्रसाद प्रियंका का नंबर है, जस्ट क्लियर जी, राइट यस सर थैंक यू सो मच, या तो थैंक यू सो मच अभिषेक जी। चिंतन भाई हमें एक चीज देख लेनी पड़ेगी कि अगर जो भी कोर्स जो हम करा रहे हैं अगर उसमें हमें कुछ एक दो वीक ऐड करने पड़े और थोड़ा स्लो डाउन करना पड़े तो करेंगे, okay. अगर कोई भी जगह पे लोगों को लगता है कि ये चीज पे थोड़े समय मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ मेरे को पता है कुछ जो चैप्टर्स है ना उसमें वीडियो ज्यादा है पर एक्सरसाइज कम है, वहां भी हमने थोड़े वीडियो ज्यादा रखे क्योंकि वहां एक्सरसाइज कम आती है, पर फिर भी अगर कम वीडियो रखने हैं क्या है हर एक हफ्ते में थोड़े कम ही वीडियो रखे, ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि आखिर हमने 11 वीक के बदले 4 महीने कर लिया, मुझे भी लगा कि चलो थोड़ा एक्सटेंड तो करना चाहिए ताकि जल्दबाजी ना हो कोई चीज, बराबर ना, तो ये चीज का जरूर हम लोग ध्यान रखेंगे। यस पीयूष भाई आई विल नोट इट डाउन एंड वी विल टेक केयर अबाउट इट, यस यस थैंक यू ओके। बिफोर वी कंटिन्यू विद अदर पार्टिसिपेंट्स आई हैव वन मोर पास्ट स्टूडेंट्स, आशीष जी आर यू ऑनलाइन, ऑनलाइन आशीष जी आई वांट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड योर स्टोरी विद अवर फ्रेंड्स, काइंडली मेक इट लिटिल ब्रीफ, थैंक यू आशीष जी। फिर मैं आई वाज स्टूडेंट अप्रैल बैच, जब से मैंने अप्रैल बैच बाद में करीबन एक या डेढ़ महीने पहले ही हमने कोर्स कंप्लीट किया, जैसे स्टूडेंट ने भी कहा फीलिंग सर ने भी कहा जैसे भी सब लोगों ने कहा कि शायद ही ऐसी कोई इंस्टीट्यूट होगी जो आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स वो हमें लाइफ टाइम सीखने के लिए हैंड होल्ड सपोर्ट देती, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़। और दूसरी चीज़ जैसे जैसे हम लोगों ने सीखा है मैं भी अभी आपके जैसे पहले ही 2 महीने पहले ही कंप्लीट किया है, इसमें जो लाइफ एक्सपीरियंस है तो दैट वाज वेरी वंडरफुल, स्टिल वी आर लर्निंग, कि मैं भी ऐसा ही था, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, मेरे को भी अपना टाइम निकाल के शेयर करना में सब चीज़ें एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, स्टिल आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स वी आर ऑल्सो लर्निंग, हम भी जो भी सर एक्सरसाइज देते हैं वो भी हमने कंप्लीट करना स्टार्ट किया, तो उससे क्या हो रहा है कि हमें और नई नई चीज़ें समझ में आ रही है, लाइक एनुअल रिपोर्ट पढ़ना,
जैसे पहले भी सेशंस में शुरू में बोला कि एनुअल रिपोर्ट इज लाइक अ बाइबल, तो वो बात एकदम सही है। ये सारी चीजें होती है, अगर मैं एग्जाम्पल लूंगा कि स्टूडेंट बोर्ड का, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द लॉकडाउन स्टूडेंट उसके रिजल्ट जो आए तो उसमें क्या मेंशन हुआ, तो उसमें ये चीज मेंशन हुई तो उनका प्रॉफिट और सेल्स दोनों चीज डाउन हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्वार्टर रिजल्ट में मेंशन किया था कि हमने भले ही हमारे प्रॉफिट और सेल्स डाउन आए लेकिन फिर भी हम लोग हमारा जो टारगेट है वो नेक्स्ट 3 मंथ में वी विल कंप्लीट इट। तो वो चीज के हिसाब से शेयर डाउन जाना चाहिए, इन प्लेस ऑफ दैट शेयर में ऑलरेडी बढ़ोतरी होनी चालू, क्योंकि शेयर ने एक नया हाई टाइम एक नया हाई बनाया, तो ये क्या मेंशन करता है ऐसा क्यों हुआ। तो ये ओनली एंड ओनली अगर हम एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं तभी हमको मालूम कि स्टॉक का सेल्स और प्रॉफिट कंपनी का डाउन हो रहा है फिर भी स्टॉक हाई क्यों लगा रहा है, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट्स कमिटमेंट, जो उनका मैनेजमेंट था वो हाईली कमिटेड है। तो ये हमें कैसे मालूम हुआ, तो ये हमें मालूम हुआ एनुअल रिपोर्ट से ही। तो ये सब चीजें छोटी छोटी भी बहुत लॉन्ग टाइम बड़ी हो जाती है, ये सब चीजें हमने यहाँ पर, और कोई लोग होते तो वो लोग शायद सेल कर लिए हो, ये स्टॉक भी डाउन जाने वाला है, प्रॉफिट इसका सेल पर डाउन, तो हमें कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है। तो हमें कॉन्फिडेंस आया है एनुअल रिपोर्ट देख के, बार बार क्वार्टरली भी का स्टेटमेंट पढ़ते हैं कैसा क्यों हुआ क्यों नहीं, तो वो हमें सबसे बेहतरीन। और दूसरी बात रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, तो वो एक्चुअली नहीं कर पा रहे हैं लेकिन स्टिल वी आर ट्राई कि हमारे थोड़े से भी टाइम में से और थोड़ा टाइम निकाल के ये प्रैक्टिस करें। बस यही कहूँगा कि पीयूष सर जी और चेतन सर और उनका स्टाफ ऑलरेडी बहुत बेहतरीन हमें सपोर्ट दे रहे हैं, हैंड होल्ड सपोर्ट दे रहे हैं। और दूसरी मिलिंद सर ने एक बात कही कि अगर हमें और कुछ भी नहीं आ रहा है तो अगर हम ग्रुप के अंदर जो डेली मैसेजेस आते सर पीयूष सर के जो अलर्ट करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर यही दिन में एक बार 10 मिनट पढ़ लिया तो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर पाते हैं। और तो बहुत सारी चीज़ें सभी चीज़ें यहाँ से बेहतरीन मिली हमें, जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे तो उसी तरह हम लोग भी इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। बट दैट्स इट फॉर ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष जी फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई हैव वन मोर पास्ट स्टूडेंट विद अस, मिस्टर पार्थ सारथी। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग चिंतन जी, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू सर? फाइन फाइन सर, यू आर बेस्ट कोऑर्डिनेटर एंड बेस्ट टाइम कीपर, लाइक अ गोल कीपर। टुडे बट टुडे आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम सर। नो नो, व्हेनेवर आई अटेंडेड द मीटिंग आल्सो, एक बार अपना दुरंतो ट्रेन जैसा पीयूष जी चालू करेगा तो स्टेशन आने के टाइम आप ही बता देगा सर टाइम हो गया करके। अलर्ट करता है सब लोग तो। ओके, आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स। नो प्रॉब्लम। हम सबको बोलना चाहता हूँ, आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन व्हाट आई एम रिसीविंग हेल्प फ्रॉम profit permit family is that for any technical help I am getting help from Priyanka madam, and for any other queries I am getting help from Prashad ji. Suppose if I would like to talk to Piyush ji but I do not know when he will be free, then I call Prashad ji, he will call back to me when Piyush ji is available for free to talk to me. And Chintanji is great personality, is the same, is the main to coordinate all people. And regarding my course, that if I want to earn money from stock market, I need to learn patience and I need to follow the results of growing quality companies, etc. And for that
from profit from a team, family and other members who are giving and questions and answers from PhD. It is giving great help, and a lot of senior members are here, like Milind Bidweji and Milind Gavadeji, Sandeep Wagule and Deniji, Ella ma'am, Anumeja, like so many people, Prashant Kare, when they are giving presentations, and it really helping. All the things I am, it helps to me after completion of the course. जनरली क्या होता है, जब कोर्स लेने के टाइम में कोर्स करने के पहले बहुत तेज होता है, बहुत इंतज होता है, बट एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद सब चला जाता है, बट इधर उल्टा है. तो आई एम लर्निंग डे बाय डे. एंड हिंदी में कहावत है, जब दांत है तब चना नहीं होता है, जब चना है तब दांत नहीं है. इस कहने का, इस कहावत का, जब हम लोग को बच्चा में भूख ज़्यादा होता है, पैसा नहीं होता है, जब ओल्डर एज में अपना पास पैसा होता है, भूख नहीं होता है. द सेम वे इन स्टॉक मार्केट जर्नी आल्सो, इन एंगर एज में अपने को सब पता चलता है बट मनी नहीं रहता है. जैसे ही जब ओल्डर एज में आप किसी भी, हम भी देखा हूँ, किधर भी मीटिंग में होएगा तो तब ग्रे हेयर पीपल बहुत ज़्यादा लगता है, उसमें दिखता है. वो लोग के पास पैसा है, फिर वक्त नहीं होता है. मगर इधर पीयूष से और प्रॉफिट फ्रॉम फैमिली से हमको अनुभव हुआ, तो वी कैन डू एनीथिंग एट एनी एज आल्सो. एंड वही चीज़ है. एंड थोड़ा सा हम एडवाइस देना चाहता हूँ ऑल पार्टिसिपेंट्स को. हम लोग जो जो किया इस बैच में, और जो वो सारी चीज़ हमने स्प्रेडशीट से एक्सेल डाउनशीट में, एक्सेल शीट में डाउनलोड कर दिया, एंड हम मेरा डेस्कटॉप फोल्डर में सेव कर दिया, सो दैट कभी इंटरनेट हो, नहीं हो, कुछ भी हो, नेंस कभी भी मेरा शीट ओके देख सकता. एंड वन मोर, आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी दैट आई एम अटेंडिंग इन ऑल वर्कशॉप बैचेस. जैसे जैसे मिलिंद जी बोलता है ना, ऐसे हम लोग ज्वाइन होने से, सुनने से अपने को काफ़ी चीज़ पता चलता है. एंड पीयूषी इज लाइक ए वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया इन स्टॉक मार्केट क्वालिटी फंडामेंटल एनालिसिस एंड रिजल्ट अपडेट्स में. हमको कुछ पता नहीं होने से भी वो जो बोलते हैं वो कान खुन के सुन देते, हम थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाता है. And last but not least, once I start following the question and answers, results, and जो भी queries आता है उसको सुनने से बाद में, then there is no time to see TV, newspapers, money control, etc., etc. The advantage is that not to see TV and newspapers and money control, no dust is accumulating in my mind. Whatever always one of PhD batata hai, the central thing is that focusing. So I am slowly learning the focusing in the mind. Thank you very much. And ek cheez hum sabko bolna chahta hu, hum aise aadmi hu, jab result nahi hoga to pata nahi hota, jab paisa nahi banega to itna learning karke kya fayda hai. Sir, mera sheet ek bar wo share kar sakte hai? I will show to somebody else, everybody. मेरा शीट. हेलो चिंतन जी. हाँ हाँ, यस सर, वन सेकंड. आपने आपका शीट आप शेयर करना चाहते हो? हाँ, आपको, आप शेयर कर सकते हो सर अभी. तो कैसा करना है इसमें? आपके, आपका, आपके पीसी में भी शीट खुला है? हाँ, मेरा पीसी में शीट खुला है. अब सुनाई पड़ रहा आपको? आप प्रेजेंटर हो सर, आप प्रेजेंटर बन गए हो. आप अपने नीचे जो ऑप्शन आता है उसे स्क्रीन ऑप्शन क्लिक कीजिए. शेयर, शेयर में. हाँ, शेयर, शेयर, यस. एंटर योर शेयर. यस, अपने विंडो पता नहीं हो, कुछ दिखाई पड़ रहा है मेरा शीट? नहीं, नहीं सर, नहीं सर. नीचे, okay. नीचे तीन ऑप्शन आता है, माइक, कैमरा, स्क्रीन और लीव. तो आप स्क्रीन दबा दीजिए.
screen. Sure. Okay. Hello. नहीं सर अभी नहीं दिख रहा है. Sharing your screen. ऐसे करके yes. दिख रहा है इसमें से. Share क्लिक कीजिए confirm. हाँ सर आ गया सर. Okay, आ गया ना इसमें. हाँ देखिए इसमें मेरा इक्विटी में 12.32 है. इसमें मेरा 2 लाख रुपया है सिर्फ 9% इंटरेस्ट में दिया हुआ है. बाकी जो चीज है दिस इज 14 है. मतलब क्या है 10 लाख हम डाला है 14 लाख मेरा प्रॉफिट है अभी. एंड इसमें अलावा जो डेनी जी है ना डेनी जी बहुत लोग मुझे पहले मदद किया था और अपना क्या नाम है पीयूष जी सब लोग इसी वजह से हम थोड़ा थोड़ा सा लिया था. देखिए आईटी में 550 इंफोसिस में लिया टीसीएस में 1733 में लिया टाटा एलेक्सी 600 में लिया टेक महेंद्रा 500 में लिया. वो सारी चीज अभी कोर्स होने के बाद में हम तो लिया था. पहले मुझे पता है नहीं पहले क्या है क्या 10% 20% आएगा तो शेयर का वो पूरा हम सेल करता था. अभी पूरा मुझे देखिए इसमें पहले पीए इंडस्ट्रीज 1000 रुपया पहले बताया तो 1000 रुपया इस हिसाब से लिया था. तो क्योंकि कम से कम अपना को स्टॉक मार्केट में इतना पैसा तो इन्वेस्ट किया इतना लर्निंग किया कुछ फायदा नहीं होगा तो प्रॉफिट में मजा नहीं आता है. तो आई वुड लाइक टू शेयर ऑल बडी एवरीबडी दैट वट एवर आई लर्न एंड आई पुट इट इन प्रैक्टिस एंड आई एम गेटिंग 50% प्रॉफिट. अर्लियर जो 10% 20% है वो थोड़ा नुकसान है मगर उसके मिला के करेगा तो 60% आई एम इन द प्रॉफिट. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मिस्टर पीयूष जी एंड प्रॉफिट फ्रॉम इट एंड अदर टीम मेंबर्स. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इट दैट देखिए चिंतन जी दिखाई पड़ रहा है इसमें स्क्रीन का. यस दिख रहा है आपका. हां व्हाट एवर क्वेरीज and whatever stock alerts are giving in apna whatsapp mein wo sari cheez hum isme hum dal deta hu ek word format mein humne copy paste karke kab kiya kya dal diya wo sari cheez 29 july mein kya kya kiya usme usne kya bataya wo sari cheez ek word format mein hum entry kar diya isme se simple control c control v control v card क्वेस्ट. तो वेन एवर आई हैव एनी डाउट जस्ट आई विल गो टू इट दिस वन. इसमें देख मुझे तो पता चलता है देखिए एफिल कंपनी में कैसा क्या बताया है उसमें से क्या भाव चल रहा है. तो आई इन्फॉर्म टू एवरीबडी दैट प्लीज पुट इट लाइक दिस सो दैट देर इज नो कन्फ्यूजन एट ऑल एंड देर इज ए ग्रेट जर्नी इन दिस. थैंक यू पीयूष जी एंड चिंतन जी. दिस इज वॉट आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी दैट हम लोग जो जो मिल रहा है उसमें से एक कॉपी पेस्ट करके एक सेव रखी दीजिए एंड सब में इंटरेस्ट कर दीजिए. मींस इफ यू पार्टिसिपेट ऑल द थिंग्स एंड दिस इज एनफ. हम लोग जैसा बोला है पीयूष जी एक बार 100 रुपये हम लोग डालेगा तो हर साल 100 रुपये हम लोग लेना है मार्केट से 10 साल के बाद. दिस इज एक ही है मेरा मन में है अभी चल रहे. थैंक यू फॉर ऑल. थैंक यू चिंतन जी. पीयूष जी आप कुछ इनपुट दे उसके पहले मैं देना चाहता हूँ. या श्योर बर्ता जी आपने अभी जो समझाया उससे मुझे इतनी खुशी हुई है कि आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट. थैंक यू अभी कुछ प्रैक्टिस नहीं करेगा. हाँ बोलिए. आपने जो जो चार्ट आपने जो अपना पोर्टफोलियो दिखाया और जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आई थिंक आपके आप जैसे जो वर्ड शीट में लिखते हो मुझे लगता है अभी से ग्रुप में अभी आपको सब कंसल्ट करेंगे कि पार्था जी कब कब लेना है कब बेचना है. जैसे एक स्टूडेंट बताया ना आप तैयार रहिए अभी आपको सब क्वेश्चंस आने वाला है विद इन फ्यू वीक्स व्हाट्सएप ग्रुप में. सो आप रेडी रहिएगा अभी. जरूर. आपने अपना एकदम गुप्त इन्फॉर्मेशन दे दिया है सबको तो अभी आपके पीछे सब पढ़ने वाले हैं. अच्छा नहीं एक महान है उधर पीयूष जी हम लोग के लाइक पीयूष जी यू वांट टू ऐड सैंड ग्रेन चिंतन भाई
पार्था जी ने तो अपन ने जो भी एक एक चीज लिखी है उन्होंने पूरा उसका तो एक बुक बना दिया है कॉपी पेस्ट मार के। तो मैं तो ये चीज लिखने से पहले बहुत ज्यादा सोचता नहीं हुआ, खाली शेयर देखा और उसकी डिटेल डाल दी। मेरे को लगता है 10 बार सोच के लिखना पड़ेगा हर चीज पर गुड प्रैक्टिस। देखो आप 2 साल बाद देखो, 1 साल बाद देखो, पर कभी भी आप जो रिव्यू दो ना वो बदलना नहीं चाहिए, वो सेम रिव्यू रहना चाहिए। वो कब रहेगा? जब आपके विचार पक्के हो। अच्छा काम कर रहे हो। और इनफैक्ट जब आप बेंगलोर के वर्कशॉप में आए थे तो उसमें और आज में मुझे बहुत बड़ा बहुत ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है और आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हो। वंडरफुल पार्था जी, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत इंप्रूवमेंट है। पार्था जी ने डेनी का भी नाम लिया है और डेनी है अभी मीटिंग में, तो डेनी को कहेंगे अपने डेनी वाला रन अल्लन। हाँ वेरी गुड, बढ़िया। देखो यार डेनी अच्छा किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता है ना, आज पार्था जी ने याद किया ना। बैंगलोर में जब मेरा मैं हॉस्पिटल में था ना, हाँ, 3 दिन के कोर्स के बाद दूसरे दिन के फ्लाइट का टिकट शाम को ही था। मेरे साथ पूरी दिन मेरे साथ हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। एक तो ऊपर कोरोना चल रहा है और अरे फिर मेरे पास सर आया था अपना कंप्यूटर लेके मेरे पास हॉस्पिटल मेरे मेरे बेड के पास बैठ के। हाँ हॉस्पिटल में आया था एक दिन, पूरा मेरे साथ था। जो पोर्टफोलियो उस दिन बनाया वही बना आई पोर्टफोलियो आज सर ने दिखाया। सर ने बोला आज प्रसार सर ने बोला था ना इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए कम पैसा डालवा है लोगों ने डलवाया। तो उस दिन प्रसार सर बहुत ज्यादा पैसा डाल रहा था, मैंने बोला मैं नहीं डालना उसकी शिफ्ट वाइज करके डालो। मैंने कहा अपना गाइड देके देके इन्वेस्ट किया, देखो कितनी सस्ता सस्ता भाव में कौन सी शेयर लेकर रखा है। तो यार बढ़िया एकदम डैनी, मतलब तुमने हॉस्पिटल के बेड से जो गाइड किया वो भी काम लगा। बिकॉज ऑफ हिम ओनली आई परचेज 600 रुपीस सर इन योर टाटा एलेक्सी। Otherwise, I do not know any ABCD of Tata Lexi. Wonderful, wonderful, बढ़िया। इसमें आपने बहुत बार बताया। हाँ, सही बात है। फिर भी अपना Tata Lexi तो अपना फेवरेट शेयर है। वो तो सभी को दिलाऊंगा। अपना अपना शाइला मैडम मैडम का पास भी उतनी रेट पे है। अच्छा, 590 का। बहुत बढ़िया। मैडम भी बार बार बताती है, मैं शेयर के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, तभी कितनी सस्ता में मेरे को दिलाया आपने। धन्यवाद आप सबका। पीयूष जी एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। नॉर्मली आपका कभी जब डेटा लॉस होता है तो आप मुझे फोन करते हो कि या ये डेटा या ये आपके पास है तो मुझे दे दीजिए। अभी लगता है मुझे आप पार्था सारदी जी को भी ऐड करना चाहिए उसमें, उनके पास सब अपना बैकअप होता है अभी। सही बात है, बैकअप पूरा है पार्था जी के पास। सही बात है, ठीक है, विल कंटिन्यू। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज राजेश सिंह कुमेन। राजेश जी आर यू ऑनलाइन? ओके, आई थिंक वो नहीं है आज, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज मिस्टर प्रदीप माधवानी। प्रदीप जी आई थिंक ही इज ऑल्सो नॉट ऑनलाइन। यस, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट सुनीता बाशीन। सुनीता जी नो प्रॉब्लम, वो भी नहीं है सर। नेक्स्ट स्लाइड राजीव गुप्ता। ओके, नो प्रॉब्लम, वो भी नहीं है। एंड नेक्स्ट पार्टिसिपेंट वेंकट रमन पी, वो भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। यस हिरेन भाती। हिरेन जी यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग चिंतन जी, सर। गुड इवनिंग हिरेन भाई। हाँ सर। हिरेन जी आपके साइड से थोड़ा और वॉइस आ रहा है। हेलो, हाँ हिरेन जी, यू कैन कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ। जब ये
हमारी जो ये बैच थी उसका जो इंट्रोडक्शन सेशन था, तब मैंने पीयूष जी से यह बात की थी मेरे ब्रीफिंग में कि मैं ये कोर्स खत्म होने तक मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूंगा मेरी ओर से कि मैं किसी टिप पे बेस नहीं रहना चाहता, मैं अपनी टिप कुछ बनाऊंगा। अब ये कोर्स खत्म होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप से ये मैं इंडिपेंडेंट रिसर्च कर पाऊंगा। इतना बेहतरीन सर ने जो कोर्स डेवलप किया है और जो इतना बहुत अच्छा सर ने सिखाया इस 12 वीक में, और मेरे फादर ने कभी 20 साल पहले से पोर्टफोलियो बनाया हुआ था, तो मैंने वो भी देख रहा था कि मेरे फादर ने क्या गलती की थी और मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि मेरे फादर का पोर्टफोलियो वो डीमेट जी में मिस मेरे फादर के पास सब फिजिकल सर्टिफिकेट के सेट थे, मिस ऐसे ऐसे मिस बहुत साल पहले से मेरे फादर की इन्वेस्टमेंट थे जिसमें बहुत सारी कंपनियां अच्छी चली और बहुत सारी कंपनियां डिलीट भी हो चुकी जिसका नामो निशान भी नहीं है अभी तक। तो ये कोर्स के दरमियान में यह सीखा मेरे फादर ने जो गलती की थी ये पीयूष जी की वजह से अब मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा और मैंने अपने खुद में अपने पोर्टफोलियो में खुद बनाऊंगा इंडिपेंडेंट रिसर्च करके। किरण भाई यही कॉन्फिडेंस रहना चाहिए है ना, गुड। और एक बात कहना चाहता हूं क्या, अभी जैसे जैसे मैं कहना चाहता हूं, हां बोलो किरण भाई। हां एक बार और दोहराना चाहता हूं, कभी शुरुआत में दिनों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता जाएगा, लेकिन पहले ऐसा होगा कि पहले आपकी मींस मैं जो स्टॉक तैयार करूंगा मुझे ये स्टॉक लेना इस प्राइस से, तो मुझे मींस आपकी ओर से मींस एक क्या बोलते हैं कि ये मैं सही सोच रहा हूँ ये गलत सोच रहा हूँ, या थोड़ा थोड़ा ऐसा होगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने मींस मैं एक्सरसाइज करता जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मींस मैं पूरा इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। सवाल ही नहीं, हमेशा हर चीज में थोड़ा समय तो लगता ही है भाई, है ना, कोई भी चीज तुरंत नहीं होती है, लेकिन जैसे धीमे धीमे समय जाएगा अनुभव आएगा आप इंडिपेंडेंट होते जाओगे, आपको लगेगा कि यस आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, बराबर ना। या हां सर, ओके ओके, धन्यवाद, और मिलेंगे जब कभी राजकोट आना होगा तब, है ना। जरूर सर, जरूर सर। यस चिंतन भाई, थैंक यू वीरेन जी, थैंक यू वेरी मच। सो ऑल द पार्टिसिपेंट थैंक यू वेरी मच। पीयूष भाई यू वांट टू से द लास्ट वर्ड? यस, सबको स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट की एक जर्नी हो, 3 साल से बाजार बिल्कुल नहीं चला है ना, 3 साल से हमें मौका ही मौका मिला है पैसा इन्वेस्ट करने का, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाए। ये चीज हमेशा याद रखना, मार्केट में बुल यानी जब बुल मार्केट आता है तब आप कुछ भी नहीं ले पाओगे, जब बुल मार्केट की एंट्री होगी तो उसको एक ही चीज आती है कैसे मेरे को दौड़ना है, और बाजार दौड़ के कैसे 18,000 पहुंचता है हमें पता नहीं चलेगा, हर महीने 1000-1000 पॉइंट की रैली बुल मार्केट में आती है। तो भगवान की दया है कि 3 साल से बुल मार्केट नहीं है तो हम माल इकट्ठा कर सकते हैं, हर महीना थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर रहे, बुल मार्केट आता है इसका जबरदस्त फायदा होगा, और ये जो लर्निंग आपने की है उसका बहुत लाभ होगा। तो विश यू स्ट्रेस फ्री, रिस्क फ्री एंड ब्राइटेस्ट लाइफ अहेड। थैंक यू सर, एक चीज और पूछनी थी। हेलो सर, कहिए सर, कहिए सर, मैं ये पूछनी थी आपसे। हाँ कहिए सर, विनोद। हाँ विनोद बोल रहा सर। आप बोलो विनोद भाई। सर अभी जो हम शीट में काम करेंगे उसमें हम कमेंट में अगर पोस्ट करते हो कमेंट, तो आप देखेंगे उसको कमेंट को? नहीं देखेंगे अभी तो? हाँ देखूंगा ना, क्यों नहीं देखूंगा, जरूर देखूंगा। अच्छा ठीक है, वही पूछना था क्योंकि पोस्ट तो खत्म हो चुका है। हाँ, तो इफ इट कोई मतलब नहीं है, पोस्ट खत्म हुआ चालू उससे कोई मतलब नहीं है, आप जो भी कमेंट करोगे कमेंट भी मैं देखूंगा, और कभी भी मान लीजिए थोड़ा समय लगता है कभी कभी,
जैसे अभी संडे का मीटिंग था तो कोई बात दो नहीं, तीन दिन से बहुत बिजी थे, पर कभी ऐसा भी लगे ना तो इट्स ओके आई नो बराबर ना। ठीक है सर, ठीक है। हेलो सर, थैंक यू सर। यस कहिए अशोक भाई, क्या कह रहे थे आप? सर आखिर में मैं आपके आपके बारे में दो बात करना चाहूंगा। मेरा एक्सपीरियंस वो जो पिक्चर आई थी तारे जमी पे, उसके अंदर जो अमित खान ने एक स्टूडेंट को ढूंढ निकाला था, उसकी जो बचपन से कुछ गलतियां था, वैसी गलतियां मेरे के अंदर भी मुझे लग रही है। मुझे जो फिगर रहते ना उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लाख करोड़ उसके बारे में, लेकिन जो आपकी थियरी है ना वो आप मेरे लिए आमिर खान बन गए हैं। और मुझे वो ईशान अवस्थी की उसमें उसने जो उसने पहला नंबर बनाया उसको, मुझे लगता है कि मैं भी आपका बहुत अच्छा स्टूडेंट बनूंगा और आपकी जो भी क्वेश्चन रेडी आएगी वो मैं उसमें सक्सेसफुल पार्टिसिपेट करूंगा सब में, और सब में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा। उसके लिए थैंक यू फॉर यू। धन्यवाद, मेरा प्लेजर है ये मेरा। और मुझे पूरा विश्वास है इस चीज पे कि जब कभी मेरा राजकोट आना होगा, दो तीन साल बाद अपन मिलेंगे, पेशेंस खाली रखना है अपने को, पेशेंस। मैंने नहीं बताया कि मैं खुद हथियार डाल देने वाला था बाजार से, त्रास हो गया था मेरे को, पर पेशेंस रखा। जी सर, आपकी थियरी वो मुझे समझ में आ गई, जो जो मुझे कंफ्यूजन था ना वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। राइट सर, मेरा भी कमेंट है। हाँ कहिए अनिल भाई। यस हाँ सर, मैं तो एक तो ये बोलना चाहता हूँ सर, आपकी जो डॉटर है ना शी इज वंडरफुल, और उसको भी इस ग्रुप में आप कहीं ना कहीं ऐड कर दीजिए सर, वो भी बहुत अच्छा आगे जाके फेगी। मुझे लगता है हम भी उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं आपकी डॉटर से, वो बहुत छोटी है मगर शी इज वंडरफुल। दूसरा ये है कि सर मैं थोड़ा सा आपसे पर्सनल ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका टाइम टेबल क्या रहता है सर, सुबह मॉर्निंग से शाम तक, थोड़ा सा ब्रीफ में सर। बराबर अनिल भाई, मेरा प्रायोरिटी रहती है कि भी मेरे को पूरे दिन में क्या करना है, मेरे को टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो एक तो अपने आप को अपग्रेड करना है, तो ऐसा दिन नहीं बीतना चाहिए कि जब पूरा दिन बीत गया और मैंने अपने आप को कुछ सीखा नहीं, तो मेरा 20 मिनट्स मेरे को अपग्रेडेशन के लिए देना ही है। नहीं सर ऐसे नहीं, सुबह कितने बजे सुबह आप उठते हैं, शाम तक क्या करते हैं, थोड़ा सा बस ये चाहिए। ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि पहले प्रायोरिटी तो सेट करनी है कि सीखने में समय देना है, एक्सरसाइज पे समय देना है, और पूरी फैमिली जिनको सिखाना है उनके लिए टाइम देना है। तो इसके लिए थोड़ा जल्दी उठना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर लेट उठेंगे तो फिर दुनिया अपने को चलाएगी और हम शेड्यूल नहीं सेट कर पाएंगे। हाँ वही मैं जानना चाहता हूँ। मेरा ये गोल रहता है कि मैं कम से कम 4:30 से 5 के बीच में उठ जाऊँ। ओ माय गॉड, उस समय उठने के बाद एक्सरसाइज करे थोड़ी, सीखे, पढ़ लू, मैं जो पढ़ना है वो यही फ्री समय में पढ़ सकते है, एक बार फिर नहीं पढ़ पाएंगे, फिर डिस्टर्बेंस इतना पूरा दिन भर रहता है कि जैसे मैं ऑफिस चला गया तो ऑफिस में भी लोग आते रहते, तो नहीं फिर वो पूरा दिन निकल जाता है, अपन पढ़ नहीं पाते। तो मेरे हिसाब से जब से मैं सुबह जल्दी पढ़ता हूँ तब से लाइफ अच्छी चल रही है। ओके, अर्ली मॉर्निंग का टाइम लर्निंग के लिए है और एक्सरसाइज के लिए है। इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले सुबह कर लीजिए, ताकि फिर पूरे दिन कुछ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट काम हो गए। बराबर, तो जब सूरज उगता है तो उगते सूरज को हम कहे कि भाई तुम तो इतना चमक रहे हो रोज, पर देखो मैं तुमसे भी जल्दी उठा हूं, मैंने अपना सब काम खत्म कर दिया है। जब लोगों का काम चालू होगा तब अपना काम खत्म होगा। एक चीज और सर, के आपके अंदर जो है ये एनर्जी है ये कहां से आती है, ये सब इतना पेशेंस से सुनते हैं, इतना सब कुछ लर्निंग आप देते हैं, तो इतना पेशेंस कैसे आता है कि आप पूरे दिन लोगों के क्वेश्चन के आंसर देते रहते हैं? लोग बाग के पास क्वेश्चन इतने ज्यादा रहते हैं। ये प्रैक्टिस है और ये आर्ट है, कैसे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो मैं अगर मेरा पुराना समय देखूं तो मैं बिल्कुल इम्पेशेंट व्यक्ति था, बहुत गुस्सा करता था, लोगों को अच्छी तरह से मैं आर्ग्यू करता था, कभी भी अच्छी तरह से जवाब नहीं देता था। पर मेरे को भी लोगों ने बोला तेरे को आर्ग्यू नहीं करना, शांति से जवाब देना है, शांति से करना है। धीमे-धीमे सीखा, आज मैं देखता हूं तो चलो मैं पेशेंस रख पाता हूं, मतलब सीखने का प्रयास देखो कर पाते हैं। ओके, ये एक आर्ट है जो हम हर कोई व्यक्ति कर सकते हैं। तो आपके साथ सर जो आपके एक गुरु थे उनका भी एक बार दोबारा से नाम बता दीजिए सर,
जो कहाँ से, वडोदरा से आते थे आपको बताने के लिए कि एक्सेल शीट में काम करो, ये करो वो करो, वो भी हाँ थोड़ा नहीं, वो सा क्या है, दोबारा। वो उनको तो गुरु नहीं कह सकते, पर वो क्या है, अच्छा एक स्टूडेंट थे जिनको मैं शेयर बाजार, जब मैं उनके सिटी में सिखाने जाता था, तब वो मुझे ये कहते थे कि तुम पीयूष भाई इसमें मत सिखाओ, एक्सेल में सिखाओ। और मेरे को ओके एक्सेल करना नहीं था क्योंकि मेरे को तो डर लगता था बहुत एक्सेल से। तो मैं अच्छा बोलता था अरे क्या काम है दिलीप भाई एक्सेल का, दिमाग का दही करके इतना सिंपल नोट पेन पे काम करो। पर वो मेरे ओके पीछे पढ़ते रहे, दिलीप भाई पटेल उनका नाम है, और वो बिना ओके अपॉइंटमेंट लेके आ जाए बड़ौदा में, और आ जाएंगे तो हम मना भी नहीं कर सकते, और उनको भी सर फिर प्रणाम बैठ के सिखाते थे। है, दिलीप उनको भी प्रणाम है भाई सर। प्रणाम, मेरा आज मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता यस चला कि सर, नहीं आप मेरे पीछे पड़े, मैं अवॉइड करता था एक्सेल, पर देखो आज सिखा एक्सेल तो मेरे को बहुत काम लगती है। अनिल जी, यस अनिल सर, जी, यो यस सर। दिलीप, दिलीप जी का एज कितना है पता है आपको? जस्ट आप गैस ले सकते हो? 60 के अराउंड। 65 होगा, 70, 70 जितना होगा चिंतन भाई, हमको हाँ रिटायर हुए 70 होगा, बहुत नाइस, 70, 70 प्लस है, 70 सो प्लस, नाइस, सो नाइस। एकदम एनर्जेटिक लेकिन। ओके तो और उनको अल्टीमेटली उनको सर 10 साल आल्ट पहले, उनको हाँ दस साल हाँ पहले 10 साल पहले जब हम लोग ने सबने एक्सेल का नाम नहीं सुना था, तब वो मास्टर थे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सही बात है चिंतन अल्टीमेटली सर भाई, आपका, आपके आपके अल्टीमेटली कौन गुरु हैं सर आपके? मेरे तो, मेरे को लगता है मेरे जो एक तो मदर, खुद मम्मी सबसे मदर, बड़े गुरु, ओके। जिन्होंने सिखाया कि कभी गलत नहीं करने का, गलत बोलने हाँ का नहीं, नहीं। हाँ वो तो सभी का होता है सर, मदर तो खैर सभी के, मगर शेयर मार्केट में आप किसको गुरु मानते हैं अपना? वॉरेन बुफे जिनकी किताबें पढ़ी, ओ आई जिन्होंने सी, बोला एनुअल वेरी रिपोर्ट, तो नाइस, चलो एनुअल रिपोर्ट पढ़े, बराबर ओके सर। ना? तो सबसे ज्यादा सीखने को मिला है उनकी ही किताबों से, उनके ही एनुअल रिपोर्ट से। ओके बाकी ऐसा नहीं है कि कोई जगह से मैंने लाइव ट्रेनिंग लिया है, बिल्कुल नहीं। पीयूष जी, किताब मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ यू आर सो जी बोलिए। वंडरफुल सर। अनिल जी, उन्होंने वॉरेन बुफे नाम दिया, वो तो सही बात है, वो सबके गुरु है, लेकिन एक और चीज है जो उनके गुरु है, पीयूष अच्छा जी जब मिस्टेक करते हैं उनसे वो परफेक्ट सीखते हैं। अच्छा कौन है सर? तो उनका उनका लाइफ लॉन्ग मिस्टेक है, पीयूष जी जब बोलते हैं कि जब मैं कोई मिस्टेक करता हूं तो वो यस मेरा सर, सबसे बेस्ट टीचर है। ओके, सही मिस्टेक, सही बात है, सही बात है, सही बात, कौन है सर? मिस्टेक मिस्टेक, अच्छा मिस्टेक, गलतियां, ओके ओके। एक्चुअली गलती। हाँ ओके, हाँ एक्चुअली क्या है क्या ना सर, मैं थोड़ा सा अपने माइंड में वो पिक्चर लेना चाह रहा हूँ कि आपने कैसे स्ट्रगल किया लाइफ में और किस तरह से आप आगे आए, और ये सब जो काम कर रहे हैं ना, ये आप एक तरह से मतलब जो कम कमाते हैं या जो कहते हैं कि हमें पैसा कमाना नहीं आता, क्योंकि पैसा एक अल्टीमेट चीज है जिससे आप काफी चीजों को, अपनी लाइफ को और फैमिली को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये जो आप काम कर रहे हैं ना सर, ये एक तरह से देश की सेवा है, मतलब व्हाट आई फील, यू आर डूइंग सर्विस ऑफ नेशन। एक्चुअली पैसा अनिल कोई भाई, ये वैल्यू नहीं सबको रखता करनी सर। है, ये हम सबको यस सर, करनी है, बराबर ना? ये अगर हाँ यही जी, चीज आप जितना सिखाओगे ना उतने ज्यादा ट्रेन होंगे, बराबर ना? आप क्योंकि जितनी मैं ज्यादा आपको लोगों से बताना चाह शेयर रहा हूँ सर, करोगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपकी टिप लेके मैंने अपने दोस्तों को दी टिप, और उन्होंने मेरे हाँ से हाँ ज्यादा पैसा कमा लिया अभी शेयर मार्केट क्या में, सिर्फ बात 3 महीने के अंदर। है। मेरा एक ओके फ्रेंड है सर ओके नोएडा में, मैंने उसको हाँ बोला हाँ FL ले ले, उसने बिना मेरे से मतलब बहुत ज्यादा डिस्कस किए, मैं तो एक्यूमुलेट कर रहा था, उसने 50 शेयर ले लिए सर 1100 कुछ ओके रुपए पे, और आज की डेट में वो मेरे से ज्यादा पैसा कमा रखे सर। बराबर बराबर तो ये बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल आपको, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये ऐसा भी हो रहा है राइट सर बराबर लाइफ में, तो इनडायरेक्टली आप उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। बराबर, और शेयर करते रहो। और तो दूसरा, आपके एरिया में जो लोग हैं ना, दूसरे जो भी यस सर, इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हमेशा सही बात बोलो। सही बात यस सर, मतलब कि भाई आधा गिरने ही वाला है शेयर, जब हाँ आप तो वो हमेशा मेरे सही बात को, रखोगे ना तो अच्छा तो मेरे से रहेगा। वो, अब मेरे को वो डेली पूछता है कि क्या टिप है आज की बता, मैंने कहा मैं टिप नहीं दूंगा अब तुम्हारे अरे को। टीम थोड़ी ना आती हाँ तो सर मेरी तरफ से माय मतलब थैंक्स फ्रॉम द बॉटम माय हार्ट, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये, और हम लोग आपसे सबमिशन में रहेंगे सर, डेफिनेटली, थैंक यू। श्योर श्योर, थैंक यू टू यू ऑल, एंड सर धन्यवाद आप सबको, बेस्ट ये ऑफ लक। जो हाँ यस विनोद भाई, सर हाँ
ये जो आप निफ्टी का रोजर देते हैं हमको, वो हमें किस काम आया हमारे आता है? ये कुछ काम नहीं आएगा निफ्टी का पॉजिटिव ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड। हाँ मैं आपको एकदम फैक्ट बताता हूँ ये क्या है। परसों पहले हम लोग निफ्टी की सबको राय दिया करते थे, वो मैंने मेरी हैबिट अभी तक रखी है, मैं रोज लोगों को निफ्टी के डेटा देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले ज्यादातर लोग निफ्टी पे काम करते हैं और लोगों को निफ्टी को ट्रैक करना होता है बाजार किधर जाएगा। मुझे उसका क्या फायदा होता है पता है, निफ्टी ट्रैक करने से कम मेरा ध्यान रहता है कि कब मैं लू कब मैं नहीं लू। तो निफ्टी ट्रैक करने से बाजार की पे अपनी पकड़ रहती है, पर ये जो मैं कर रहा हूँ वो जरूरी नहीं है सब करे। मुझे तो बरसों से इतने सारे लोग है जो निफ्टी का डिटेल हमसे लेते हैं, तो इसलिए मैं अभी कंटिन्यू उनको लेता जाता हूँ, पता नहीं कब मैं बंद करूँ, क्योंकि हम तो उसमें डील करते हैं, हम तो फंडामेंटल में जाते हैं, हम तो लॉन्ग टर्म में बीच में हमें निफ्टी का लेना देना एक्चुअली नहीं, लेना देना कैसे है कि कम से कम बाजार पे पकड़ रहे ना, आपको पता रहे कब बाजार गिर रहा है चल रहा है, तो उससे भी हम डिसीजन ले सकते हैं कि अभी बाजार में क्या करना है, अभी बाय करना है कि नहीं करना है, बराबर। ओके ओके, तो थोड़ा थोड़ा देखता जाने का, जरूरी नहीं हम निफ्टी में काम करें, पर बाजार पे तो पकड़ रहेगी अपनी, बराबर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, वी विल एंड दिस टुडे सेशन एंड वी विल एवरीवन विल स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वंस अगेन पीयूष जी, एंड थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। गुड लक, जय हिंद।